हेलो एवरीवन, स्टार्ट करिया क्लास। टॉप 45 क्वेश्चन का डिस्कशन बिगिन करिया। आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट, बहुत प्रॉपर्ली आज क्लास चेक करिवे, अटेंटिवली चेक करिवे। एंड ये जो पीडीएफ मोरिका सॉल्व करिवे आपन को, ए पीडीएफ आपन को ऑलरेडी टेलीग्राम रे मु दे सारची हैला, याको डाउनलोड कर देबे। क्लास सरला परे निजे थरे अटेम्प्ट नेबे। आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट हैला, सो लेट करिया नी, टाइम वेस्ट करिया नी, स्टार्ट करिया। हां, क्वेश्चन नंबर 1। After covering a distance of 30 km with a uniform speed, speed of the train is reduced to 4/5 its original speed due to some defect. So the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after covering 18 km more, train would have reached 9 minutes earlier. Find the speed of the train and distance of the journey. Dekhon. फास्ट मुझे बुझेबी यूजिंग रेशियो, तापर बेसिक मेथड रे बुझेदेवी, मैंने इक्वेशन फॉर्म करने बुझेदेवी। फास्ट रेशियो रे बुझंतु, रेशियो मेथड रे। लेट्स से एटा होची ट्रेन रा पाथ ए टू बी हला, कोन कहिची आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। लेट्स से एई पॉइंट रे हला, एटा होची 30 किलोमीटर। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर। एई पॉइंट रे कोन हला, गोटे डिफेक्ट हला। तापर डिफेक्ट हबारु कोन हला, डिफेक्ट हबारु आपन कर ट्रेन रा स्पीड, स्टूडेंट्स स्पीडटा कौन हो गला, देखो डिफेक्ट हबारु ट्रेन रो स्पीड 4/5 हो गला। माने इनिशियल जदि 5 थिला अबिका 4 हो गला, माने इनिशियल जदि 5 थिला अबिका 4 हो गला। 5 टा को इनिशियल मान ली, 5 रो 4/5 कते 4 स्पीड फॉर दिस डिस्टेंस, एउठ हेतिक डिस्टेंस, ठीक अछि। जदि स्पीड हो गला 5:4 तले टाइम कोन हेतिवो, टाइम 4:5 हेतिवो, काहे कि बिकज डिस्टेंसटा कन्स्टेंट अच्छी, सो स्पीड आउ टाइम इनवर्स रिलेटेड है। ओके, टाइम स्टूडेंट्स गैप के 4-5 गैप हो वन रट, आक्चुआल के गैप अच्छी 45 मिनिट र, आक्चुआल 45 मिनिट रहा, मैंने आक्चुआल टाइम तक लगुता के ट्रेन को डिफेक्ट नई आक्चुआल टाइम के लगी था। जेहेतु वन रैप हो रेसीओर वन करेस्पन्स टू 45 मिनिट्स रईट, सो 4 करेस्पन्स टू के आक्चुआल टाइम के लगुला 45 × 4 व्हिच इज 180 मिनिट, 180 मिनिट्स इज द आक्चुअल टाइम है। बट जेहेतु डिफेक्ट हो गला स्टूडेंट्स, जेहेतु डिफेक्ट हो गला स्टूडेंट्स, से अबिया कौन है डिफेक्ट हाँपाई आपंकर ट्रेन लेट हो गला 45 मिनिट, सो 45 × 5 व्हिच इज 225, ठीक अच्छे लेट है बिकज ऑफ डिफेक्ट है। ओरिजिनल टाइम हो 180 मिनिट लगी था, यूठ ये क्लीयर हो, एब्सोल्युटली क्लीयर हो। ओके, हार्ड इट हैपेंड आफ्टर 18 किलोमीटर्स मोर, माने यही पॉइंट न होना, जदि 18 किलोमीटर पर होता, जदि 18 किलोमीटर पर होता, लेट्स से दिस पॉइंट है, ए गैपटा हो स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर, ए गैपटा हो 30 किलोमीटर, फाइन। जदि यही पॉइंट होता कौन होता, ये भी तो स्पीड पुणी होता, कैसे ये भी स्पीड होता आप 5:4, ये भी जो एक्सीडेंट होती 18 किलोमीटर पर होता, ये भी स्पीड होता कैसे 5:4, आउ टाइम कौन होता जदि स्पीड 5:4 टाइम हम 4:5, इजंट इट, इजंट इट, स्पीड आउ टाइम इनवर्स रिलेटेड। ता माने एठी कौन केते लेट होता कहिची 9 मिनिट्स अर्लीयर, 45 मिनिट्स 9 मिनिट्स अर्लीयर, माने 36 मिनिट लेट होता, माने एउठ एदि कि ट्रेन 36 मिनिट लेट होता। ताले एक्चुअल टाइम केते, एक्चुअल टाइम केते 4 × 36 बुझंदि आपण, अरे 1 यूनिट 4-5 हो गैप के 1 यूनिट रेशियो रे, टाइम रो गैप रेशियो रे हो 1 यूनिट 4-5, बट एक्चुअल रे गैप के स्टूडेंट्स 36 मिनिट है। सो 36 × 4 के 36 × 4 हो 144 राइट, 144 मैंने एक्चुअल टाइम लगी था ये 144 मिनिट, बट जेहेतु डिफेक्ट हो 36 मिनिट लेट हो, सबिका टाइम के लगुच 144 + 36 कर पारे और 36 × 5 करेंगे व्हिच इज 180, ठीक अच्छे। एटा होची लेट टाइम, एटा होची ओरिजिनल टाइम, कोठु केति कि एउठु केति कि, एटा होची ओरिजिनल टाइम, एटा होची लेट टाइम, कोठु केति कि एउठु केति कि, क्लियर होची स्टूडेंट्स। ओके, अबिका पचार छी आपनकु स्पीड आउ डिस्टेंस। ओके, स्पीड माने ओरिजिनल स्पीड पचार छी, लेट जो हैला से स्पीड पचारनी, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन रो ओरिजिनल स्पीड, स्पीड केमति बाहर करिया देखंथु, मार्क करंथु स्टूडेंट्स एई पॉइंट रु दिस पॉइंट, यही पॉइंट रु एथिक जाए जीवा को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओरिजिनली बहुत प्रॉपर्ली कथा को मार्क करंतु, यही पॉइंट रु एंड जाए जीवा को ओरिजिनली 180 मिनिट लागू थांदा,
ओरिजिनली 180 मिनट लगी था बिना डिफेक्ट रे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तापरे आउट इन्स देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओरिजिनली 144 मिनट लगुला ताले जो गैप रे केत समय लगी था जदि एउठु एतिकी 180 मिनट लगी था ओरिजिनल रे एउठु एतिकी 144 मिनट्स ताले गैप रे केत समय लगुच 36 मिनट दिस गैप इज 36 मिनट्स माने मु कहि परबी 18 किलोमीटर जीवा पई ओरिजिनल रे ट्रेन नौची केते 36 मिनट 36 मिनट रे 18 किलोमीटर जाउची ताले स्पीड केते ताले स्पीड मु कहि परबी डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस होची 18 बाय टाइम ता होची 36 मु आवर रे कन्वर्ट कर देबी किलोमीटर पर आवर पई सो इनटू 60 36 बाय 60 हां सो दिस इज 230 सो स्पीड हेगला केते 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर एटा हेगला स्पीड एक्चुअल स्पीड ठीक अछि 30 किलोमीटर पर आवर हेगला स्पीड आ डिस्टेंस केते हेगला एटा होची 30 एटा 18 खाली एति डिस्टेंस बाहर करिया एति डिस्टेंस बाहर करले काम होइजला देखत ओरिजिनल एउठ एति की ओरिजिनल टाइम केतनो उठांता 144 मिनट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओरिजिनल टाइम होची 144 मिनट्स 100 टा होची लेट टाइम हैला बट ओरिजिनल टा होची 144 मिनट्स एउठ देगी टाइम अछि हम पाखरे स्पीड अछि हम पाखरे 144 मिनट्स केते समय जाउची ता स्पीड केते 30 किलोमीटर तो स्पीड इनटू टाइम होची डिस्टेंस तो 144 जेहेतु मिनट रे अछि आवर रे बाय 60 करबी इनटू स्पीड होची 30 स्पीड इनटू टाइम होची डिस्टेंस सो दिस इज 2 दिस इज 72 तो एटा कत लगेते 72 ठीक अछि सो टोटल डिस्टेंस केते हेगला ताहले टोटल डिस्टेंस मु केते कहि परबी डिस्टेंस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस 30 प्लस 18 होची 48 48 प्लस 72 व्हिच इज 120 120 और स्पीड होची केते स्पीड होची 30 किलोमीटर पर आवर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक अछि एटा होची यूजिंग रेशियो मेथड अबिका धरंतु यूजिंग इक्वेशन हम बुझिया हला धरंतु यूजिंग इक्वेशन ही बुझि जिया ताकि जो मान को इक्वेशन अप्रोच सुटेबल ऑल्दो परीक्षा आपण इक्वेशन रे करिवे नि आपण यूजिंग रेशियो ही करिवे एते भलते बुझाला इक्वेशन रे केमती करिया देखंतु देखंतु इक्वेशन अप्रोच स्टूडेंट्स बुझि जे चल एटा 30 किलोमीटर लेट्स से दिस डिस्टेंस होची डी दिस इज डी किलोमीटर ठीक अछि स्टूडेंट्स ताले मु इक्वेशन कोन कहि परबी हला आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड लेट्स से ट्रेन रो स्पीड होची एस ट्रेन रो स्पीड होची एस हला द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड टू 4/5 इट्स ओरिजिनल स्पीड हला ताले 30 किलोमीटर गला परे आमे जहां भी डिस्टेंस हमको दरकार आमे डी बाहर कर दो डी प्लस 30 कर दो ताले टोटल डिस्टेंस पळे आसीबो ठीक अछि ओके ताले एउठु मु कहि परबी डी 4/5 कोन स्पीड कम हेगला ड्यू टू डिफेक्ट हला ताले दिस डिवाइड बाय 4/5 एस हला माइनस डी बाय एस ओरिजिनल डिस्टेंस ओरिजिनल स्पीड माने एही कथा हमें कहउ चंदी दिस डिस्टेंस हला ताहले एटी कोन टाइम बाहरला एटा होची लेट टाइम जेहेतु डिफेक्ट पर जो बाहरला डिफेक्ट पर स्पीड ता 4/5 हे जेची 4/5 ऑफ एस आ स्पीड ओरिजिनल स्पीड ता होची एस ठीक अछि सो एही केस से टाइम तो अधिक लागतो काहे ना स्पीड कम हे गला सेला सो दिस इज इक्वल टू केते समय लेट हे जे देखंतु 45 मिनट 45 मिनट माने आवर रे केते 45/60 व्हिच इज 15 रे काटले 3/4 ठीक अछि दिस इज इक्वेशन 1 फाइन ता परे नेक्स्ट इक्वेशन हम कहि परिया हाउ इट हैपेंड आफ्टर 18 किलोमीटर मोर माने लेट्स से आफ्टर दिस पॉइंट हैला दिस गैप इज 18 हैला ए पॉइंट रे एटा कते हे जीवो डी माइनस 18 डिवाइड बाय एट कोन स्पीड हे गला 4/5 ए पॉइंट रे 4/5 हे गला जदी हेठी तांदा दिस डिवाइड बाय 4/5 एस माइनस डी बाय एस जोडा होची ओरिजिनल स्पीड दिस इज
केते 36 मिनिट लेट 9 मिनिट्स अर्लियर कही 36 मिनिट लेट 36 बाय 60 आवर रे कन्वर्ट करिया सो बार रे काटले 3 बाय 5 ठीक अछि दिस इज इक्वेशन 2 ठीक अछि अबिका एतले आपण सॉल्व करिवे व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन 1 एंड 2 ताहले आपण कर डी आसीबो केते डी आसीबो 90 हला एठी आसा 120 माने एठी आसीबो 90 एठी डिस्टेंस डी टा पळे आसीबो एतिक पार्टटा पळे आसीबो 90 हला ताहले टोटल डिस्टेंस हबो 90 प्लस 3 120 डी आसीबो आपनकर 90 आ स्पीड आपनकर आसीबो 30 जहा एठी आसतिला ठीक अछि आपण सॉल्व करिवे निजे सॉल्व करना बाहर करिवे डी जदी 90 आसला ताहले डी प्लस 30 केते 120 आपनको पचार छि कंप्लीट डिस्टेंस आमे एउठु डी मानचंती कंप्लीट मानले कोन ना डी माइनस 30 करना करिया पडिवो ठीक हेक्टिक हबो कि नै टिके अधिका कैलकुलेशन हे जिवो हित पई एटा 30 मानतो एटा डी मान दियो कंप्लीट ठीक फ्रेंड्स सो इक्वेशन अप्रोच भी आपन को हाला रेशियो भी को हाला नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट मु टिके स्क्रीन रु साइड हे आउची सो दैट आपन स्क्रीनशॉट नै परिवे नियंत लिखले आपन नेक्स्ट मूव करिया एटी स्टूडेंट जो डी लिखा है आउ थे आपको कहूँ आंसर हम 3120 3090 मार्क कर देवे ये जो डी लिखा है 90 यहाँ खाली एउठ ये गैपटा हूँ 90 आपन को तो कंप्लीट डिस्टेंस बुझाई ना डी प्लस 30 बुझले आम एति पार्ट को डी मानते इक्वेशन फर्म कला यहाँ हूँ आपंकर मेथड 1 यूजिंग रेशियो यहाँ हूँ आपंकर मेथड 2 ठीक अच्छे फ्रेंड्स सो यहाँ हूँ 90 प्लस 30 हूँ कैसे 120 क्लीयर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सबू क्वेश्चन को मु करी तापर आपण निजे सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे खाली मुँह कला सहज लगे निजे कला बेलू हेनी आउे ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट थरे क्लास रे पढ़िबे आउ थरे निजे खातार करेंगे देख क्वेश्चन नंबर 2 एटा भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट ए क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स परीक्षा रिपीट हो देखे दिए आपको देख स्टूडेंट्स सीटीएस एग्जाम ओडब्ल्यूएससी रहा हूँ ग्रुप बी एग्जाम्स ओडब्ल्यूएससी सीजीएल आउ सीटीएस पूरा सेम लेवल क्या एटा भी ग्रुप भी सेटा भी ग्रुप भी देखो एक्जाक्ट सेम एटा हूँ लास्ट इयर सीटीएस परीक्षा एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन कि ना एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन कि ना पूरा जो क्वेश्चन ये देखुंटा एटा भी एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन सेम कनसेप्ट यूज अबिका जो आम क्वेश्चन करा ये हाइकोर्ट में आसाला देख देखे दूसरी हाइकोर्ट एस पेपर चेक करूँ हाइकोर्ट एस पेपर चेक करूँ सेम क्वेश्चनटा ये है ये क्वेश्चनटा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आज क्लास तो सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हाँ यहाँ आम तीन टा मेथड बुझा तीन टा मेथड आपको कह देखो फास्ट हूँ बेसिक मेथड जदि गोटे स्कूल पिलाटा सल्व कर गोटे स्कूल पिलाटा सल्व कर सी कम सल्व कर देखो तीन टा मेथड बुझा फास्ट आम बुझा पूरा बेसिक मेथड सेकेंड गोटे फर्मुला मुझे कहि थर्ड मेथड हूँ यूजिंग रेशियो मेथड तीन टा मेथड बुझा अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफर्म स्पीड इफ ट्रेन वुड हाव बीन एति फास्टर इट वुड हाव टेकन लेस दैन शेड्यूल टाइम एंड इफ ट्रेन स्लोअर बाय एति इट वुड हाव टेकन देन लेंथ ऑफ द जर्नी मैं डिस्टेंस पचारा ठीक अच्छे ओके लेट से ट्रेन रो स्पीड हूँ एक्चुअल स्पीड हूँ एस किलोमीटर पर आवर आउ एक्चुअल तो टाइम लगुच टी सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड इन टाइम हूँ डिस्टेंस ठीक यहाँ हूँ एक्चुअल स्पीड यहाँ जी ट्रेन रो एक्चुअल टाइम फास्ट स्टेटमेंट कौन कहला इफ ट्रेन वुड हाव बीन 6 किलोमीटर फास्टर जदि 6 किलोमीटर फास्ट होता मैंने एस प्लस 6 होता तेल कौन होता इट वुड हाव टेकन 4 आवर्स लेस मैंने टी रु टी माइनस 4 होता एतिक रे भी तो सेम डिस्टेंस जाता सो दिस इज इक्वल टू डी सेम डिस्टेंस जाता नहीं तापर इफ ट्रेन वे आर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर मैंने एक्चुअल जदि एउठ ट्रेन स्लो होता 6 किलोमीटर इट वुड हाव टेकन 6 आवर्स मोर दैन शेड्यूल टाइम एक्चुअल टी नौला अबिका टी 6 आवर्स मोर एटा 4 आवर्स लेस हाँ ठीक अच्छे ठीक है टी प्लस 6 मैंने एक्चुअल यहाँ हूँ एक्चुअल स्पीड एक्चुअल टाइम सेकेंड केस से कौन कहला जब 6 किलोमीटर पर स्लोअर होता 6 घंटा एक्सट्रा नहीं था दिस इज इक्वाल टू अगेन डी ठीक अच्छे स्टूडेंट्स ओके तीन टा इक्वेशन होगा साइमल्टेनियसली आम सल्व करा वैल्यू बाहर करा धरतु फास्ट मु एटा होची इक्वेशन 1 एटा होची इक्वेशन 2 एटा होची इक्वेशन 3 एट एमिति आपण करिवेनी हला बट पूरा बेसिक पिला जे किछि जानिने से एमिति सॉल्व करियो फाल धरंतु मु याकु सॉल्व करिवी केमिति करिया देखंतु s + 6 परीक्षा रे आपण एमिति करिवेनी बट मु कहि देबा कथा तो बेसिक मेथड भी कहि देबी सो दैट सब मेथड आपण जानंतु
टी प्लस सिक्स फाइन ठीक है सॉल्व कर दिखु दैट इम्प्लाइज एस टी माइनस फोर एस प्लस सिक्स टी माइनस चौबीस इक्वल टू एस टी प्लस सिक्स एस माइनस सिक्स टी माइनस छत्तीस फाइन ओके देखो एस टी आस टी दिया कैनसल हो फाइन तापर देखु दैट इम्प्लाइज माइनस फोर एस अच्छी प्लस सिक्स एस अच्छी तो यपट आसले माइनस टेन एस होगा है ये सिक्स टी एट माइनस सिक्स टी एपट आसले प्लस ट्वेल्व टी होगा यहाँ माइनस ट्वेंटी फोर से माइनस थर्टी सिक्स सो सेपट गले के माइनस ट्वेल्व ठीक ओके सो यहाँ हूँ गोटे इक्वेशन पलि आसला फाइन स्टूडेंट्स एटा गोटे इक्वेशन पलि आसला अबिका लेट से मु याकू आ सॉल्व कर देबी हैला एटा को एटा को सॉल्व कर देबी ताहले भी हमर आंसर बाहर जीव देखो केन बाहर जीव एटा हमें सॉल्व करले फर्स्ट एदिरा सॉल्व करले अबिका एदिरा सॉल्व करिया केमती करिया देखंतु दिस इक्वल टू दिस मु करबी एटा को यासे इक्वल करबी ताहले फर्स्ट देखंतु कोन हे जीव एट देखंतु एटा सॉल्व करले कोन हे जीव दिस इज एस प्लस सिक्स इंटू टी माइनस फोर इक्वाल टू एस टी क्या दीटा इक्वाल टू डी ना एटा भी इक्वाल टू डी एटा भी इक्वाल टू डी तो आम सल्व कर सो एट सल्व कले कौन हो देख दैट इम्प्लाइज एटा को एक्सपैंड कले कौन होटा यही पार्टी आसो है दिस इज लिखि दूसरी फिर भी एस टी माइनस फोर एस प्लस सिक्स टी माइनस चबीस इक्वाल टू एस टी रहा एस टी एस टी दिया कैनसल हो कैनसल हो कौन हो स्टूडेंट्स कैनसल हो गले कौन नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखुच नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखुच कैनसल हो गले कौनटा हो माइनस फोर एस प्लस सिक्स टी इक्वाल टू यहाँ पड़े चबीस हो ठीक क्लीयर हो माइनस फोर एस प्लस सिक्स टी इक्वाल टू चबीस सो यू लेट्स से दिस इज इक्वेशन फोर दिस इज फाइव अलग फोर आउ फाइव को हमको सॉल्व कराया पड़ो किम सॉल्व करिया एठी माइनस फोर एस अच्छी एठी टेन एस अच्छे गोटे काम कर एट लिखिद एट देखु एस आउ टी भितर गोटे पैरामीटर कैनसल कराया पड़ो है देखो कोड़े दस आउ कोड़े दस आउ चार एलसीएम हो कोड़े गोटे काम करिया प्रथम इक्वेशन रे दुई मल्टीप्लाय करदे सो माइनस ट्वेंटी एस प्लस चबीस टी इक्वाल टू माइनस ट्वेंटी फोर आउ एटी पाँच मल्टीप्लाय करिया दिस इज माइनस ट्वेंटी एस प्लस थर्टी टी इक्वाल टू यहाँ हूँ शहे कोड़े ठीक अच्छे माइनस सॉरी प्लस शहे कोड़े फाइन क्लीयर हो सो एटी कौन कर देखु ये था फेड़देवि सब्ट्राक्ट करदे सब्ट्राक्ट करदे एटा प्लस होटा माइनस होटा माइनस हो फाइन क्लीयर तो यहाँ के यहाँ तो कैनसल होटा के देखु माइनस सिक्स माइनस सिक्स टी इक्वाल टू यहाँ हूँ शहे कोड़े वन सो दिस इज माइनस वन फोर्टी फोर माइनस माइनस दियाड़ कैनसल हो गला सो टी इक्वाल टू वन फोर्टी फोर बाय सिक्स देखो दिस इज दुई ट्वेंटी फोर टी पलि आसला चबीस टी पलि आसला चबीस जदि टी चबीस पलि आसला अभी कौट पुट कर दिखाँ लेट से मुझे पुट करदे टीटा को मुझे पुट करदे चबीस आसला और चबीसटा को ये पुट कर दिखाँ एट पुट करदे लेट से है चबीस इंटू बार हूँ के चबीस इंटू बार हूँ टू एट्टी एट शुणु प्रपरली चबीसटा को एट पुट कली चबीस इंटू बार हूँ के टू एट्टी एट है टू एट्टी एट टू चालीस प्लस हाँ टू एट्टी एट टू एट्टी एट हूँ टू एट्टी एट यपट पलेब माइनस हो माइनस टू एट्टी एट माइनस ट्वेल्व हूँ के माइनस थ्री हंड्रेड सो माइनस टेन एस इक्वाल टू माइनस थ्री हंड्रेड सो एस इक्वाल टू के थर्टी एस इक्वाल टू थर्टी सो एसटा पलि आसो के टीटा चबीस एसटा पड़े आसला थर्टी आप स्टूडेंट्स कौट पुट करें ये करूँ और या भितर कौट ये करूँ ठीक अच्छे ये गला थर्टी आसला ना या भितर कमी हाँ आप ये करेंगे आईदर एटी और एट ठीक अच्छे तेल डिस्टान्स पचार डिस्टान्स हूँ स्पीड टू टाइम टाइमटा हूँ चबीस एसटा हूँ थर्टी थर्टी इंटू ट्वेंटी फोर केतश कोड़े अप्सन बट ये के लंबा हूँ देखो के लंबा मेथड एमती आम परीक्षा करेंगे नहीं आप बुझाया को मुझे बट परीक्षा एमती करावानी ठीक अच्छे इरेज करूँ मुझे आप स्क्रीनशॉट नहीं जाऊँ मुझे साइड हो जाए।
एटा होची बेसिक मेथड जदि को मेथड आसीबो नि ताले हम कर करिवे ओके मेथड 2 चेक करिया मेथड नंबर 2 यूजिंग फार्मूला फार्मूला होची डी इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू फाइनल स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन स्पीड इनटू चेंज इन टाइम ठीक अछि सो एटा यूज करिया दैट इज दैट इंप्लाइज इनिशियल स्पीड ता होची लेट्स से एस फाइनल स्पीड ता होची स्पीड इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर हला सो एस प्लस 6 डिवाइड बाय चेंज इन स्पीड एस आउ एस प्लस 6 तो चेंज केते 6 खाली चेंज ताक मु लिखिबी इनटू चेंज इन टाइम एटा होची स्टूडेंट्स चेंज इन टाइम देखन तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस ताले टाइम रे चेंज केते हिजी 4 टाइम रे 4 चेंज हिजी मु सिंपल एटा होची डेल माने कोन चेंज इन टाइम डेल इज ता कोन चेंज इन स्पीड एट स्पीड रे चेंज 6 टाइम रे इतकी दिस इज इक्वल टू सेकंड केस कोन हिजी एस इनटू स्पीड कोन हिजी 6 किलोमीटर स्लोअर हिज हला त माने एस माइनस 6 एई केस रे भी चेंज इन स्पीड केते 6 चेंज इन स्पीड ता होची 6 टाइम केते चेंज हिजी देखंतु टेकन 6 आवर्स मोर माने चेंज इन टाइम होची 6 चेंज खाली लिखी मु स्टूडेंट्स चेंज इन स्पीड चेंज इन टाइम क्लियर होची अबिका सॉल्व कर दियंतु एस एस दियाडू कैंसिल हे जीवो आ तापरे 6 6 दियाडू कैंसिल हे जीवो दैट इंप्लाइज एस प्लस 6 बाय एस माइनस 6 इक्वल टू 6 बाय 4 ठीक अछि हां करेक्ट ताहले दिस इज 3 बाय 2 फाइन दैट इंप्लाइज 2s प्लस 12 इक्वल टू 3s माइनस 18 दैट इंप्लाइज s इक्वल टू केते होची सेपट पहिले s हे जाउची एपटा पहिले 18 प्लस 12 होची 30 तो स्पीड ता पळे असला 30 जदि स्पीड 30 पळे असला आपण ता पर डिस्टेंस बाहर कर दे परिवे जदि स्पीड पळे असला डिस्टेंस हमें कोठी बाहर कर दे परिया 8 लेट्स से मु 8 पुट करबी 8 पुट करना डिस्टेंस बाहर कर दे परिवी ठीक अछि स्पीड जदि पळे असला अबिका डिस्टेंस ता केते होची डिस्टेंस ता होची आपण कर s इनटू s प्लस 6 डायरेक्ट लिखु जे हला एस टा पळे असला 30 डिस्टेंस टा होची 30 इनटू 36 डिवाइड बाय 6 इनटू 4 सो दिस इज 6 सो 30 इनटू 24 व्हिच इज 720 ऑप्शन ए दिस इज यूजिंग फार्मूला नोट इट डाउन तापर हम यूज करिया यूजिंग रेशियो भी हम करिया एटा होची मेथड नंबर 2 नोट इट डाउन तापर हम करबी रेशियो रे मेथड नंबर 3 यूजिंग रेशियो रेशियो रे केमती क्वेश्चन सॉल्व करिया ट्रेन कवर्ड सर्टन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड लेट्स से ट्रेन द स्पीड जदी एस थिला हला एटा होच एक्चुअल स्पीड टाइम नोथला टी ठीक अछि टाइम नोथला टी आवर्स तापर को कहिछि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ता माने जदी एस प्लस 6 देन द स्पीड हला एटा होची एक्चुअल स्पीड एस प्लस 6 हला इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम एटा शेड्यूल टाइम एउटु 4 आवर्स लेस नंदा सेकंड आपण कहिला फ्रॉम हियर एंड इफ ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर माने एस माइनस 6 जदि नंदा ताहले कहि नंदा इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम ताहले टी प्लस 6 नंदा ओके ओके अबिका मेन कांसेप्ट उपर आसीया हला एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट जो मैं अभी आपको हाइलाइट करी मु स्टार मार्क करूँ शुणु प्रपर्ली टाइम टू डिस्टेंस क्लास कला बेले मुझे कही भाया शॉर्टकट आपको अलग पिलाठ बहुत ऊपर रखी है देखो जितेबाद शुणु प्रपर्ली मुझे कही अलरेडी टाइम टू डिस्टेंस क्लास बेले स्टिल आउ थे रिमाइंड करी जदि स्पीड्स आपंकर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे थाए एपी रे थाए ताहले टाइम सब एचपी रे हुए हार्मोनिक प्रोग्रेशन रे रहे शुणु प्रपर्ली किसी ना मुझे बुझेदेवी कौन होदि स्पीड एपी रे थाए ताहले टाइम एचपी रे रहे आदि टाइम एपी रे थाए ताहले स्पीड एचपी रे रदि स्पीड एपी रे टाइम एचपी रे जदि टाइम एपी रे स्पीड एचपी रे क्लीयर होचपी कौन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तार कौन यूसेज बुझे यदि किसी जानना किसी असुविधा ना प्रपर्ली बुझे शुणु देखो स्टूडेंट्स ये स्पीडटा एपी रे अच्छी कि ना स्पीड आरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छी ना देखो ये 6 कमिला ये पुणी 6 कमिला 6 6 गैप अच्छी ना ये 6 गैप ये 6 गैप मैंने टाइम अच्छी आप स्पीड अच्छी कौन एपी रे अच्छी जदि स्पीड एपी रे अच्छी ताहले
टाइम ओब्वियसली आपंकर एचपी रे रहिबो जोडा मु अबिका आपन को बुझेली हला ताहाले जदि तीनटा नंबर जदि एचपी रे अछंती ताले मझी नंबरटा स्टूडेंट्स सबले मीन हुए मझी नंबरटा मीन हुए जेहेतु एचपी सो हार्मोनिक मीन ताले हमें कोन लिख परिया टी इक्वल टू टीटा हूँ हार्मोनिक मीन केमती करती खाली एतिक खाली गोटे लाइन मन रखुद हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करा हुए 2ab by a plus b एटा होची फर्स्ट a एटा होची b 2ab by a plus b बस इति कांसेप्ट को काम होई जीव मझी नंबर टा होची मीन टा को लेखंती 2ab देखंतु t minus 4 into t plus 6 divided by a plus b दिस प्लस दिस होची 2t plus 2 फाइन अबिका जदी मु एठी तळु 2 कॉमन नै जीवी ताले कोन होई जीव t plus 1 होई जीव 2 into t plus 1 है जीवो, ठीक है 2t plus 2 होतला, 2 2 तो cancel है जीवो, ठीक, अभी क्या टिक के डाउ सॉल्व कर दो, देखो तो ये टाइप का मल्टीप्लाई है गले, t square plus t है गला, t square plus t, right, ये टाइप के मल्टीप्लाई है गले स्टूडेंट्स, ताले ये टाइप कौन है गला, this is t square plus 60 minus 40 minus 24, plus 60 minus 40 हो जी, plus 2t minus 24 clear हो तो वा t square cancel है गला ये पढ़े असली that implies minus t minus 24 तो मुको ही परी भी t equal to 24 t इटा 24 पढ़े असला चला अभी क्या अपनों का main जिनसा application देखिए अपनों देखा हम अभी क्या application बुझाऊं तो t जो दे 24 all का color कर दो जी 80 students अम्मा ratio रे use होगा proportionality का use होगा देखा हम यही सब जिनस क्राउड ठू अलग रखियो बाकी पे जिन जान नए देखो टी रैल्यू जब 24 है स्टूडेंट्स तेल टी माइनस 4टा कौन हम 20 हम कि नहीं 20 हम 20 हम अबिका देखो 20 आ 24 रेसीो कौन अच्छी 4 रे काटले 5:6 यही रेसीो अच्छे मैंने टाइम रेसीो अच्छी 5:6 जेहेतु डिस्टेंस कांस्टेंट ताले स्पीड रेसीो कौन हम 6:5 जदि टाइम रेशियो अच्छी 5:6 स्पीड रेशियो हम 6:5 कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट अच्छे इनवर्स हम रेशियो ओके अभी का मार्क करूँ स्टूडेंट्स 6:5 6:5 हो स्पीड रेशियो है रेशियो रे गैप 6:5 भितर रेशियो रे गैप अच्छी 1 यूनिट बट एक्चुअल रे गैप केते अच्छी एस आउ एस प्लस 6 एक्चुअल रे गैप केते एस आउ एस प्लस 6 रे 6 यूनिट्स का गैप अच्छी सो एटा को 6टा को मु कोन लिख परबी 36 कहीं ना ये 1 गैप अच्छी एक्चुअली 6 गैप अच्छी सो 1:6 हो सो 6:6 36 6:5 हो 30 सेम रेशियो मेंटेन हो 6:5 ठीक अच्छे अभी क्या कंडीशन सैटिस्फाई होगा एस एस प्लस 6 गैप 6 रि 36 आउ 30 गैप 6 ठीक अच्छे ओके अभी क्या मार्क करूँ डिस्टेंस आपको दरकार लेंथ एक्चुअल स्पीड हो 30 से टाइम नौ 24 सो 30:24 इज 720 आइदर आप एमती करेंगे और एमती भी करें 36:20 व्हिच इज अगेन 720 फाइन क्लियर होची अप्रोच क्लियर अप्रोच नेक्स्ट मूव करिया क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इफ फर्स्ट टर्म हो 28 सेकंड टर्म टा हो 4 तो सम पचार सम टा हुए इनफाइनाइट जीपी केस ए बाय 1 माइनस आर एटा हो फर्स्ट टर्म आर टा हो कॉमन रेशियो एटा होची इनफाइनाइट जीपी रो सम तो सिंपल अप्लाई कर दवा फर्स्ट टर्म टा होची 28 डिवाइड बाय 1 माइनस आर कॉमन रेशियो केते सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 4 बाय 28 28 बाय 4 नो 4 बाय 28 सो 1 बाय 7 व्हिच इज 28 बाय 6 बाय 7 6 बाय 7 हे गेले उपले हे जीवो 7 एठी हे जीवो इनवर्स हे जीवो 28 बाय 6 बाय 7 सो मल्टीप्लाई हे गेले 7 बाय 6 हे जीवो दिस इज 2 रे काटले दिस इज 14 दिस इज 3 सो 98 बाय 3 ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज 92 8 आम स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत अच्छी भल लेवल क्वेश्चन गुड़ा अच्छे टी फास्ट मूव कराया पड़ो ना बहुत लंबा क्लास हो डाटा बहुत सरीज बेसी लंबा क्लास देखे कौन ना आप
बहुत समय भी नष्ट हो टाइम आप जीएस पढ़ते कौन करते आम टे क्लास जल्दी करा चेस्टा करा कि जिनसे आम कंप्रोमाइज करानी मानते एमती ना कि कनसेप्ट आपको कम कहि सेमती ना कनसेप्ट प्रपर कह बट कथा टी मुझे जल्दी कहि ताकि आम टाइम वेस्ट न हो देखो आउ गोटे कौन कही फाइव बकेट्स एंड एट मक्स फाइव बकेट्स एंड एट मक्स इक्वाल टू 77 ओके अबिका मार्क कौन स्टूडेंट्स गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे स्टार मार्क कली कथा को शुणु प्रॉपर्ली जो कथा कह शुणु जो भी कोफिशिएंट इंटरचेंज जाने कौन अप्रोच ना आपने आईतर या इक्वाल करेंगे ऊपर पाँच मल्टीप्लाय करदे तले आठ मल्टीप्लाय करदे चालीस चालीस कैनसल मारदे सेमती करेंगे सेमती कले कौन अजथा कैलकुलेसन बजाक पड़ो ये गोटे अप्रोच ने देखो पाँच आठ पाँच ये पाँच आठ जो भी कोइफिशिएंट एटा होची स्पेशल केस जो कोइफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए आठ पाँच पाँच आठ देखो कोइफिशिएंट चेंज हो जाए यह सब केस कौन ना थरे ऐड करेंगे थरे सबट्रैक्ट करेंगे थरे ऐड थरे सबट्रैक्ट देखो मुझे कौन करी थरे ऐड करदेवी थर्टीन बी प्लस थर्टीन एम इक्वाल टू यहाँ के देखो नाइन वन सिक्सटी नाइन दैट इम्प्लाइज मुझे कौन कहीपरि देखो कैलकुलेशन फसबे नहीं आपड़ इक्वाल टू थर्टीन थरे ऐड करी थरे सबट्रैक्ट करदेवी थरे सबट्रैक्ट करूँ ए दुटा को सबट्रैक्ट करते आठ माइनस पाँच हूँ थ्री थ्री बी माइनस थ्री एम थ्री बी माइनस थ्री एम इक्वाल टू यार के डिफरेन्स पंद्रह सो बी माइनस एम इक्वाल टू पाँच ठीक अच्छे बी माइनस एम पाँच बी प्लस एमटा हूँ तेरह ये देखो यहाँ तेरह यहाँ पाँच तेल आठ जदि मुदेवी दुटा को कौन हो 2b इक्वाल टू तेर प्लस पाँच हूँ अठर b इक्वाल टू नौ b इक्वाल टू नौ आसला जदि बीटा नौ हो एमटा केते हो एट पुट कर दिंतु 9 प्लस 4 सो एमटा हूँ चार एमती क्विकली बाहरी गला एमती क्विकली बाहरी गला जदि आप एक कम करते कोफिशिएंट को कैनसल करेंगे तेल आपको ऊपर इक्वेशन में पाँच मल्टीप्लाय करा पड़ो तो आठ मल्टीप्लाय करा पड़ो लेंदी हम कि नहीं लेंदी हम कि नहीं परीक्षा प्रति सेकेंड इंपोर्टेंट जदि गोटे क्वेश्चन में मु वन मिनिट सेव करदे मुझे टाइम आज दुटा क्वेश्चन एक्सट्रा करदेवी परीक्षा टाइम इज मनी ठीक अच्छे सो एटा आप क्विक हम जो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो थे ऐड थे सबट्रैक्ट माइंड फिट कर दिंतु क्लीयर ओके अभी कौन कह टू मक्स थ्री बकेट्स टू मक्स मान टू इंटु फोर हूँ एट प्लस थ्री बकेट्स मान थ्री इंटु नाइन सतैश तो दिस इज 35 एटा खाली आपको आड ए क्वेश्चन खाली मुझे रखी थी आपंकर 45 क्वेश्चन से ताकि आपको खाली गोटे पॉइंट हाइलाइट करी कि जो कोफिशिएंट अदला बदली हो गले सिंपल थरे ऐड थरे सबट्रैक्ट ठीक इन एन ऑटो फेयर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली देर आर 600 व्हीकल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स ठीक अच्छे ओके लेट से टू व्हीलर्स को डिनोट कर आज ए और फोर व्हीलर्स को डिनोट कर आज बी टोटल एटा टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स मिसिकिना अच्छी 600 अ वर्ल्ड रेनाउंड टायर एजेंसी फाउंड 200 टायर्स इन व्हीकल्स ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ फेयर विदाउट एनी स्टेपनी विदाउट एनी स्टेपनी मैंने खाली टायर कथा कही टायर कथा कही व्हीकल्स तो 600 टायर मैंने कौन ए रे दुटा टायर सो टू ए बी रे चार टायर सो टू बी इक्वाल टू हूँ के 2000 टी सिंप्लीफाई कर दिंतु दुई कमन नहीं जातु दुई कमन नहीं गले कौन कहीपर दुई जदि कमन पड़ेगा तेल ए प्लस टू बी इक्वाल टू 1000 होगा ठीक अच्छे ओके नंबर ऑफ टू व्हीलर्स मैंने ए रैल्यू बाहर करा कहीं आम कनसीडर करते एटा टू व्हीलर्स एटा फोर व्हीलर्स फाइन सो कर दिंतु सबट्रैक्ट करदे सबट्रैक्ट करदे माइनस बी इक्वल टू माइनस 400 है तो बी इक्वल टू 400 जदि बीटा 400 है राइट पुट कर दिखाँ फास्ट में बी जी 400 एटा के हम एटा हम 200 ऑप्शन डी इज करेक्ट राइट आप यूजिंग एलिगेशन भी करें एलिगेशन के करेंगे एलिगेशन 600 इंटू 200 600 इंटू टू व्हीलर सो से 1200 600 इंटू चार चार फोर व्हीलर्स सो दिस इज 2400 ओवरऑलटा के ओवरअल अच्छे 2000 आलिगेसन करेंगे आप एमती करेंगे बट गोटे सेकेंड मेथड आपको कहीदे यूजिंग आलिगेसन गैप के देखो दिस इज 400 दिस इज 800 तो रेसीो अच्छी वन इज टू टू ये रेसीो आसला कौन वन इज टू टू है सो दिस इज
टू व्हीलर्स दिस इज फोर व्हीलर्स पचार नंबर ऑफ टू व्हीलर्स केते हबो एटा होची टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स रेशियो जे तो टू व्हीलर्स केते 1 आउट ऑफ 3 1 आउट ऑफ 3 इनटू केते व्हीकल्स होची 600 इनटू 600 कर दियंतु तो दिस इज 200 फाइन ऑप्शन डी एमिति करिवेनी तला बट करिवे आपण एमिति नेक्स्ट अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11 the digit in 100 and tens place respectively are if digits are non zero okay bahut simple dekhan 3 re 11 re 3 ro divisibility kon sum of digits ta mane 7 0 thik achi 3 ro divisible hobai kon sum of digits ta mane kete achi 6 4 10 17 17 plus a plus b एटा हवा दरकार सम ऑफ डिजिट जे 3 रे डिविजिबल ता नंबर 3 रे डिविजिबल एटा तो 3 रे नुह सम ता हवा दरकार 3 रे डिविजिबल ताले नंबर ता 3 रे डिविजिबल तो ए ओ बी कोन हे परियो ए सब क्वेश्चन ठीक ऑप्शन राखी पगा ऑप्शन यूज नला 7 जदी एटा 7 बीटा हो 4 17 प्लस 11 केते हो जी 28 3 रे होने डिविजिबल सो एटा ता हबार नहीं 8 देखिया 7 5 12 12 प्लस 17 केते 29 होनी एटा भी होनी 8 देखो 8 5 13 13 प्लस 17 होची 30 त मन सटिस्फाई हो जाउछ एटा सटिस्फाई हो जाउछ ठीक अछि बट 11 कथा कहि छी 11 टा भी वेरीफाई कर दवा 11 टा वेरीफाई कर दवा 11 रो डिविजिबिलिटी कोन 11 टा डिविजिबिलिटी कोन ठीक एग्जांपल दो छी आपन को त 5 डिजिट नंबर लिखा हे छी ए बी सी डी ई एटा 11 रे डिविजिबल कि नै केमे जानिबि अल्टरनेट डिजिट प्लस माइनस देखो हला कोन करिबि ए प्लस अल्टरनेट डिजिट ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी है अल्टरनेट डिजिट प्लस माइनस अल्टरनेट डिजिट प्लस कली एटा प्लस कली जदि या डिफरेन्सटा जीरो हुए और 11 के 11 रा मल्टीपल आइदर जीरो और 11 रा मल्टीपल देन द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11 अल्टरनेट डिजिट स्टूडेंट्स प्लस माइनस जदि जीरो हम और 11 रा मल्टीपल हम तो 11 रा मल्टीपल बुझी पारे आप कनसेप्ट अबिका ए कनसेप्टा यूज करिया लिखाई था एट देखो एटा कौन करिया देखो 0 प्लस ए प्लस 7 तो दिस इज 7 प्लस ए माइनस अल्टरनेट देखो 4 प्लस 6 10 प्लस बी होची 10 प्लस बी 10 प्लस बी है यहाँ डिफरेंस 7 प्लस ए माइनस 10 प्लस बी एटा आइदर 0 हवा दरकार और 11 रो मल्टीपल हवा दरकार तो को ऑप्शन रे हो सटिस्फाई देखो फर्स्ट रे देखंतु 7 प्लस 7 होची 14 एटा होची केते दिस इज 14 दिस इज 14 सटिस्फाई हे जाउ फर्स्ट ऑप्शन सटिस्फाई हे जाउ बट 3 रे होनी एटा 3 रे होत लागे 3 रे होनतला सेत में एटा आंसर होबार नै केनडा 3 रे होनी 3 और 11 साइमल्टेनियसली होवा दरकार ठीक अछि सो एटा होनी सेकंड चेक करिया 7 प्लस 7 14 10 प्लस 5 15 ये होनी एटा सटिस्फाई होनी 11 रे होनी एटा चेक करिया एटा 3 रे ऑलरेडी हे जाईतला 11 रे होची नै चेक कर दवा 7 प्लस 8 होची 15 10 प्लस 5 15 15 माइनस 15 होची 0 सो एटा 11 रे भी होची 3 रे भी होची सो दिस इज द आंसर ठीक अछि फर्स्ट ऑप्शन टा माने ऑप्शन 1 टा कोन सटिस्फाई होतला 11 पई बट 3 रे हो नथला एटा सेहि पे एटा आंसर न बुझ परले अपन नेक्स्ट population of vultures in a particular locality is decreased by certain rate annually if current population of vultures hoji 29160 rate of population for second and third year hoji 10:9 mane kon 10 ru 9 hoji ta mane एक रिडक्शन होची ऑन द बेस ऑफ 10 माने 10% रिडक्शन होची 10% रो रिडक्शन होची व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स 3 इयर्स अगो 3 वर्ष अगो केते थिला लेट्स से 3 वर्ष अगो ए थिला ठीक अछि जेहेतु 10% रिडक्शन होची त माने कोन हेतिबो ए इनटू 9/10 इनटू 9/10 इनटू 9/10 3 वर्ष कथा कहै छी रिडक्शन 10% रहौछ दिस इज इक्वल टू 291600 that implies a equal to kete hobo 29160 into
डिवाइड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 क्यूबटा केते 729 729 आपको जना अच्छे 729 इंटू 4 हूँ 2916 सो यहाँ डायरेक्टली कटिज दिस इज 40 ठीक अच्छे दिस इज 40 40 दिस इज कम्प्लीटली 40 पड़े आसला यहाँ हूँ 40 आठ तीन टा जीरो सो दिस इज 40,000 40,000 हूँ आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक नेक्स्ट एटला सिंपल क्वेश्चन द डायल्यूटेड वाइन कंटेन्स ओनली 8 लीटर्स ऑफ वाइन एंड रेस्ट वाटर स्टूडेंट्स मुझे टिके स्पीड मूव करुच्ची पर्पसफुली मूव करुच्ची कहीं ना ना बहुत बड़ पेपर अच्छी आम टाइम बहुत लगे आप समय नष्ट आम जल्दी करा सो दैट आप समय नष्ट न हो कम टाइम भितर आप बेसी जिन देखी जातु देख डायल्यूटेड वाइन कंटेन्स ओनली 8 लीटर्स वाइन एंड रेस्ट वाटर ओके 8 लीटर्स वाइन रेस्ट वाटर न्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड हूज कॉन्सेंट्रेशन इज 30% बाय रिप्लेसिंग मिक्सचर विथ प्योर वाइन रिप्लेस करा होची विथ प्योर वाइन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड इफ इनिशियली ओके इनिशियली कौन 32 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर 32 लीटर वाटर थी ओके वाइन आउ वाटर इनिशियली कते थिला इनिशियली 8 लीटर थिला वाइन आउ 32 लीटर थिला वाटर ठीक अछि सो रेशियो इज 1:4 ठीक अछि हाउ मेनी मिक्सचर लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड हला रिप्लेस करहला मिक्सचर हला रिप्लेस करहला मिक्सचर तापर कोन हला न्यू मिक्सचर इज फाउंड हुज कंसंट्रेशन इज 30% रिप्लेस करना ओके ताहले जदि रिप्लेस करा होची फास्ट या भी तो किसी बाहर करिया पड़ियो या भी तो हमें किसी बाहर करिया जितले हमें गोटे कांसेप्ट आपन कहितली मिक्सचर रो हमें जदि किसी पार्ट बाहर करचंदी स्टूडेंट्स ताले कोन क्वांटिटी कम सुनंदो कथा को बहुत प्रॉपर्ली जदि मिक्सचर रो किसी क्वांटिटी हमें बाहर करचंदी ताले कोन क्वांटिटी कम हे जीवो क्वांटिटी 32 आउ 8 40 अछि 40 रो किसी क्वांटिटी कम हे जीवो किंतु रेशियो चेंज होवनी रेशियो रहिबो 1:4 क्वांटिटी कम हो जाए स्टूडेंट्स क्वांटिटी कम हो बट रेशियो चेंज होवानी बहुत प्रॉपर्ली बुझेली मिक्सचर क्लास रे रेशियो चेंज हम रेशियो सेयार रहिबो ठीक अच्छे क्वांटिटी कम होपर कौन होटा को आम कौन कले न्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड हुज कंसंट्रेशन इज 30% कंसंट्रेशन 30% मैंने वाइन 30% कंसंट्रेशन 30% मैंने वाइन 30% बाकी तो वाटर अच्छे ना कंसंट्रेशन मैंने हूँ वाइन कथा कही वाइन 30% तो मैंने वाटर हूँ 70% है विथ प्योर वाइन ओके 30% वाइन आउ सात 30% वाइन 70% वाटर तो मैंने रेशियो हूँ 3:7 रेशियो हूँ कौन रेशियो हूँ 3:7 ठीक अच्छे ओके यहाँ कौन है बाय रिप्लेसिंग मिक्सचर विथ प्योर वाइन प्योर वाइन रे हमें कले रिप्लेस ये प्योर वाइन रिप्लेस है मैंने वाटर सेम कर पड़ो जेहेतु वाइन रिप्लेस कराई मैंने वाटर सेम कर पड़ो यही दुटा भितर सात अच्छी चार अच्छी सेम के सात चार एलसीएम हूँ 28 तो मैंने 8 करदे 28 अलग अलग कर 28 मैं सात दिस इज सात ठीक ये कौन है यहाँ को करी 28 चार दिस इज 12 ठीक अच्छे ठीक अच्छे स्टूडेंट्स ओके अभी रिप्लेस के सात रु 12 5 यूनिट कराला रिप्लेस 5 यूनिट रिप्लेस कराला रिप्लेसिंग रो माने कौन सिग्निफिकेंस कौन जी बाहर से रिप्लेस है मानने इनिशियल आउ फाइनल क्वांटिटी सेम हवा कथा इनिशियल आउ फाइनल क्वांटिटी सेम हवा दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेस इनिशियल जदि 40 लीटर अच्छी फाइनाली 40 लीटर रहा कथा अच्छे कि 40 चेक करा कहीं जी पार्ट मुझ मिक्सचर रू बाहर कली से मुझ रिप्लेस कली मिक्सचर रू मिक्सचर बाहर कली बट रिप्लेस कली विथ वाइन बट क्वांटिटी मिक्सचर जी बाहर और जी वाइन रिप्लेस है क्वांटिटी इज सेम कथा बुझा कथा आप कथा जहाँ जहाँ कहूँ प्रति वार्ड को अब्जर्व करेंगे कौन कहली रिप्लेसींग मान हूँ जी पार्ट बाहर कले से आड कले ये आम मिक्सचर बाहर कले से अमाउंट वाइन आड करदे क्लीयर हो स्टूडेंट्स ओके ताहले मतलब जिनस कहतु ताने कौन जी इनिशियली थी से फाइनाली थी 8:32 टोटाल हूँ कैसे 40 ताने फाइनाली भी 40 लीटर रहा कथा रेशियो चेंज होट 40 लीटर अच्छे चेक करूँ 12 28 मिसिकिना के 40 हो जाए ताने इनिशियल और फाइनाल सेम अच्छी जेहेतु सेम अच्छी ताने 5 लीटर रिप्लेस होती ठीक दिस इज 5 ताने ये 5 बाहर थी क्लीयर हो कनसेप्ट ओके नेक्स्ट
क्लियर ना कि मुझे बुझे पारे आ बहुत डिटेल बुझा या ठूँ अधिका डिटेल आ देखो ये एक्स माइनस टू इक्वल टू 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 दि पावर टू बाय थ्री माइनस टू टू दि पावर वन बाय थ्री सिंपल रीअरेंज कर देछि हैला एक्स माइनस टूटा एपट नहीं आस ओके आपन को सिंपल माइंड माने टिके जदि आपन को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अछि आपन देखि जानि परिबे जदि क्यूब करा हेछि त माने एक्सप्रेशन को क्यूब करयाव पड़ियो ठीक अछि क्यूब कर दवा आ देखन दी पर साइड क्यूब कर दवा केने क्यूब करा हेछि हैला सो एटा क्यूब करले कोन हेजिवो लिखि दियंतु एक्स माइनस टू होल क्यूब इक्वल टू एपट साइड क्यूब कली माने एलएचएस क्यूब कली माने आरएचएस को क्यूब करयाव पड़ियो टेम्प्लाइज ए क्यूब्र फर्मूला कौन ए माइनस बी होल क्यूब्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तापरे माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर इंटु बी माने सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाए सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक अच्छे तापरे प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए 3x इंटु फोर माने प्लस 12x ठीक अच्छे स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू एपट साइड चेक करूँ एपट साइड जब मुझे क्यूब करी क्यूब कले कौन हो जाटा हो जाए टिके तले लिखिया दिस इज इक्वल टू एटा कले क्यूब दिस इज टू स्क्वायर माने फोर टू स्क्वायरटा हूँ आपंकर फर्स्ट जदि मु क्यूब करी टू टू बाय थ्री आठ क्यूब तो मैंने क्यूब आ टू बाय थ्री थ्रू थ्री कैनसल हो तो दिस इज फोर ए क्यूब माइनस बी क्यूबटा हूँ केन तीन हो गला कैनसल मैंने माइनस टू है माइनस थ्री ए बी थ्री ए बी दिस इज ए दिस इज बी है माइनस लिखी दूसरी मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करुच्छे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूबा हूँ आप क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी होल इंटु ए माइनस बी ए फर्मुलाटा अप्लाई करुच्छे ठीक अच्छे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी होल इंटु ए माइनस बी से ही फर्मुलाटे अप्लाई करुच्छे बुझिपारे आप देखते कमी करा तो माइनस थ्री ए बी टू टू दि पावर टू बाय थ्री इंटु टू टू दि पावर वन बाय थ्री जेहेतु बेस सेम अच्छी पावर आड हे टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री मैंने कौन वन तमाने थ्री इंटु टू थ्री इंटु टू हो गले सिक्स हो गला माइनस सिक्स सिक्स होल इंटु ए माइनस बी मैंने से रो टू टू दि पावर टू बाय थ्री माइनस टू टू दि पावर वन बाय थ्री ठीक अच्छे अबिका टी अब्जर्व करूँ स्टूडेंट्स यो पार्टा नुह यही पार्टा आई फर्स्ट लाइनटा सेम अच्छे कि नहीं दिस पार्ट सेम अच्छे कि नहीं यदि दिस पार्ट आउ दिस पार्ट सेम अच्छी मुझे रिप्लेस कर दे पारी एक्स माइनस टू यही जगह एक्स माइनस टू लिखदे पारि इजेंट इट यही जगह मुझे कौन लिखिदे पारि इंटु अरे टू टू दि पावर टू बाय थ्री माइनस टू टू दि पावर वन बाय थ्री एक्स माइनस टू ना एटा को एक्स माइनस टू में रिप्लेस करदेली ठीक अच्छे टी सिंप्लीफाई कर दिंतु यही पार्टा तो आप टू हो गला दिस पार्ट बिकम्स टू ठीक अच्छे दिस पार्ट बिकम्स टू सो दिस इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स एक्स प्लस 12 ठीक अच्छे 12 प्लस 2 तो आपंकर होगा कि आम भूल कर कि नहीं तो टिके सिंप्लीफाई करना एटा को रीअरेंज करिया दैट इम्प्लाइज टिके भल लेवल क्वेश्चन अच्छी है माइनस 8 अच्छी आईटा अच्छी के हाँ ठीक अच्छे यहाँ गोटे साइड को नहीं आसिया तो मैंने माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 एटा एपट को आसे प्लस 6 एना आसो तो मैंने प्लस 18x हो गला ठीक अच्छे आईटा हूँ 2 प्लस 12 हूँ 14 14टा एपट को आसे के माइनस 14 होना आसो माइनस 14 आउ माइनस 8 मैंने माइनस 22 ठीक अच्छे माइनस 22 तो माइनस 8टा तो पड़ेगा छाड़ दिखा माइनस 8टा ये पड़ेगा ठीक अच्छे यहाँ पड़ेगा दिस इज इक्वाल टू 0 हो गला ठीक अच्छे बट आमको दरकार यही एक्सप्रेशन टा देखो स्टूडेंट्स मुझे आप्रोच कमी नेबी एक्स क्यूब अच्छी सिक्स एक्स स्क्वायर अच्छे
एटीन एक्स अच्छे प्लस दरकार एटीन ठीक अच्छे प्लस दरकार मत अठर ठीक अच्छे तो कम करा प्लस दैट इम्प्लाइज देख तुम कमी आप्रोच नौ एक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस आमको अठर दरकार ये प्लस अठर लिखीदेव निजाड़ू अठर लिखिदेवी जब निजाड़ू अठर लिखी तेने कौन अठरटा सफ्टवेयर भी तो करा पड़ो माइनस एटीन तो करा पड़ो निजाड़ आड कर सफ्टवेयर करी आउ माइनस बैस तो आगू सो ये माइनस बैस लिखा इक्वाल टू जीरो दैट इम्प्लाइज कौन कहीपरि ये एक्सप्रेशन टा मतलब पचार या भैल्यू अबिका ये पार्टा बचला यहाँ को राइट हैंड साइड नहीं जीटा को ये के स्टूडेंट्स दस चालीस हो जाने दिस इज इक्वाल टू के दिस इज इक्वाल टू माइनस एटीन माइनस ट्वेंटी टू आरपोर्ट नहींगले चालीस ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक ठीक नेक्स्ट करूँ एटा टीम ऑफ 20 मैन टी कर अटेम टे पा टे पी दिए ट्वेंटी मैन इज सपोज टू डू वर्क इन 30 डेज है आफ्टर 12 डेज फाइव मोर मैन वेयर एम्प्लॉयड एंड द वर्क फिनिश्ड टू डेज अर्लीयर इन हाउ मेनी डेज वुड इट हैव फिनिश्ड इफ फाइव मोर मैन वेयर नॉट एम्प्लॉयड ठीक अच्छे ओके सब स्टूडेंट्स मन रखी स्टार मार्क मुझे कली टाइम एंड वर्क जो देखाई सपोज्ड और प्लांड देखो यहाँ हूँ सपोज्ड मैंने यहाँ हूँ प्लानिंग पार्ट प्लानिंगटा कम नुह एक्चुअल कम करा कम ता माने कौन माने एठी टोटल वर्क आपत करदे कोड़े इंटु तीस करदे ट्वेंटी इंटु थर्टी टोटल वर्क करदे यहाँ हूँ सपोज कराई मैंने प्लान कराई कम स्टार्ट होटू एक्चुअल कम स्टार्ट हे से आम क्वेश्चन स्टार्ट हे है दिस इज अ भेरी इंपोर्टां कनसेप्ट यहाँ हूँ क्वेश्चन क्रक्स आफ्टर 12 डेज फाइव मोर मेन वेयर एम्प्लॉयड मैंने बार दिन जाए कई जन कम करेंगे कोड़े लोक अच्छा कोड़े जन कम करेंगे ट्वेंटी इंटु ट्वेल्व ठीक अच्छे फाइव मोर मेन वेयर एम्प्लॉयड इनिशियली 20 थिले अबिका फाइव मोर आसीगले माने 25 जन हो गले एंड दि वर्क फिनिश्ड टू डेज अर्लीयर प्लान कराइला तीस दिन सर बट दु दिन आगु सरीगला मैंने टोटाल 28 दिन में कम सरीगला ऑलरेडी स्टूडेंट्स 12 दिन हो जाए 28 दिन में कम सर ताने आउ 16 दिन अच्छे ठीक दिस इज टोटाल वर्क यहीटा हूँ आप टोटाल वर्क 20 इंटु 30 टोटल वर्क नुह एटा प्लान कराई सपोज कराई भेरी इंपोर्टां कनसेप्ट आपको स्टार मार्क कर ना स्टार मार्क कली क्वेश्चन आपको सीट्रे मुझे इनक्लूड करी खाली गोटे पॉइंट देखा जो भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन सपोज लिखाई प्लान लिखाई से टोटल वर्क नुह तापर सेकेंड स्टेटमेंट जो एक्चुअल कम करा स्टार्ट होती आप वर्क कनसीडर करा स्टार्ट करेंगे क्लीयर हो स्टूडेंट्स ओके छोट जिनसा बट वाइटल पॉइंटा टॉपिक पढ़ला बेले भी आपको कही स्टिल माने ध्यान दे नए से आउ थे कहीदे इंटु 16 दिस इज टोटल वर्क तापर कौन है इन हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन फिनिश्ड इफ फाइव मोर मेन वेयर नॉट एम्प्लॉयड जदि पांच जन एम्प्लॉय हो न था मैंने कौन 20 जन ही कम करते थे कई दिन सड़ता था इंटु लेट से एक्स डेज रे तो दैट इज 240 प्लस 25 इंटु 16 पचीस इंटु 16 कि 400 400 प्लस 240 माने 640 इक्वल टू 20 इंटु एक्स दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वाल टू 32 ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एति ओके केमती करिया गोटे काम करिया आपणकर पावर जो लिखाई पावर्स गुड़ाक सेम करदे जदि पावर सेम करदेवि तेज बेस अधिका सी बड़ राइट पावर सेम करदे समस्त पावर सेम करदे जहाँ बेस अधिका से बड़ पावर सेम करने पावर्स से कौन अच्छी 1/3 1/2 आ गोटे 1/6 सो 3 2 6 एलसीएम के समस्त को 6 बनेद ठीक अच्छे तेल के कर देख एलसीएम अफ 3 2 6 होची 6 केमती मुझे करी देखु 3 to the power 1/3 अच्छी ठीक अच्छे यही 3 पार्टा को 6 करी 3टा को 6 केमती करी तले 2 मल्टीप्लाय कले तले जदि 2 मल्टीप्लाय करी ऊपर भी 2 मल्टीप्लाय कर पड़ो कौन कह देख 3 to the power 2/6 करा पड़ो कहीं आप फ्राक्शन जहाँ करेंगे
डिनोमिनेटर आउ डिनोमिनेटर सेम करा पड़ो ताकि कैनसल आउट होना से पहुंची जब जमी टू बाय सिक्स टा हूँ वन बाय थ्री है सो ये मुझे कौन कहीपरि दिस इज इक्वाल टू थ्री स्क्वयर टू दि पावर वन बाय सिक्स क्लीयर हो स्टूडेंट्स क्लीयर हो सो यहाँ आप नेक्स्ट देखो बहुत डिटेल बुझा हो ना ये सब क्वेश्चन हो हार्डली पांच सेकेंड लिखिया भी दरकार नहीं आप देखिए आंसर मार्क करेंगे बट बहुत डिटेल बुझे दूसरी सो दैट बिगिनर पे बुझीपर टू टू दि पावर वन बाय टू टू टा को सिक्स करी ये जो वन बाय टू अच्छी डिनोमिनेटर को छ करी छ केमी करी देखु भले लिखीद टू टू दि पावर अच्छी वन बाय टू ठीक अच्छे तेल दुईटा को छ करी मानने दुईरे तीन मल्टीप्लाय करी मैंने टू टू दि पावर थ्री बाय सिक्स हम थ्री बाय सिक्स जोटा हूँ वन बाय टू दिस इज टू क्यूब टू दि पावर वन बाय सिक्स ठीक अबिका देखु वन वन टू दि पावर वन बाय सिक्स है यहाँ मुझे डायरेक्ट लिखुच दिस इज वन टू दि पावर वन बाय सिक्स राइट तापर क्या ना वन एनी पावर हूँ वन तापर नेक्स्ट हूँ आप सिक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स एटा तो अलरेडी सिक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स अच्छी सो आउ किसी चेंज करा दरकार नहीं देखु सब पावर गुड़ाक मुझे सेम करदेली वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स ठीक अच्छे तेल कौटा बड़ अबिका स्टूडेंट्स अबिका या भितर बड़ कौटा थ्री स्क्वायरटा हूँ नाइन एटा कौन एटा नाइन कि नुह एटा हूँ कौन दिस इज नाइन टू दि पावर वन बाय सिक्स इजेंट इट एटा हूँ नाइन टू दि पावर वन बाय सिक्स एटा हूँ एट टू दि पावर वन बाय सिक्स एटा हूँ वन टू दि पावर वन बाय सिक्स राइट आईटा हूँ सिक्स टू दि पावर वन बाय सिक्स जेहेतु सब पावर सेम अच्छी जो बेसटा बड़ से नंबरटा बड़ सब बड़ बेस कौटा अच्छी नाइनटा जेहेतु नाइनटा बड़ ताल यहीटा हूँ बड़ ऑप्शन ए इज करेक्ट क्लियर क्लियर हो बहुत डिटेल बुझे ये सब क्वेश्चन पांच सेकेंड वाला क्वेश्चन खाली आपको भले बुझाई जा दैट आप्रोच क्लीयर हो जाओ नेक्स्ट पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ऑफ सर्टन लेंथ व्हिच इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर पासिंग थ्रू टू ब्रिजेस ओके ही नोटिसेस दैट ही क्रॉस द फर्स्ट ब्रिज एंड सेकेंड ब्रिज इन द टाइम इंटरवल सेवेन इज टू फोर सेवेन इज टू फोर ठीक अच्छे ओके इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिज हूँ 280 देन लेंथ ऑफ सेकेंड ब्रिज ओके ये पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन सीए करुच कौन सीए नोटिस करुच्ची ट्रेन कथा कहनी पैसेंजर बसी तम मैंने ट्रेन रेन्थ हूँ इरेलीवांट ट्रेन रेन्थ ये इरेलीवांट तेल ये सिंपल कौन हम रेसीो जेहेतु आपको लेंथ पचारेन्थ कथा पचारे टाइम टाइम इज प्रपोर्शनाल टू लेंथ ताने जदि सात यूनिट करेस्पंड करुच 280 को तेल चार यूनिट करेस्पंड के कर दिस इज 40 टाइम्स यहाँ हम 160 ऑप्शन बी इज करेक्ट एटा ओराल क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे कहीं पैसेंजर ऑब्जर्व करुच्छे है ट्रेन रेन्थ रही रेलिवेंस ना ठीक अच्छे ओके द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इनक्रीज्ड बाय 50% द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इनक्रीज्ड बाय 50% बाय व्हाट परसेंट इज इट इनक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क इन प्लान्ड टाइम इफ न्यू लेबर 25% मोर एफिशिएंट वॉइस ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे इफ न्यू लेबर इज 25% मोर एफिशिएंट फाइन ओके आम जानते एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क बहुत डिटेल आपको पढ़ाई टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी माने कौन डिटेल आपको पढ़ाई एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क कहीं हुए सेटा पढ़ाई ओके ताहले गोटे काम करिया द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इनक्रीज बाय 50% सो परसेंटेज क्या कहु लेट से मुझे 100 मेन है एफिशिएंसी ऑफ वन मैन इज वन यूनिट पर डे एफिशिएंसी ऑफ वन मैन इज वन यूनिट पर डे टोटल 100 मेन इनटू टाइमटा हूँ वन डे टाइमटा हूँ वन डे ताहले वर्क केते करिवे 100 यूनिट्स करिवे तापर कौन है अमाउंट ऑफ वर्क इज इनक्रीज्ड बाय 50% 50% बढ़ला माने केते हेगला दिस इज 150 हेगला हैला बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इनक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्लान्ड टाइम माने सही वन डे रे ही सरीबो हैला टाइम सेम अछि
इफ न्यू लेबर इज 25% मोर एफिशिएंट ओके एटी स्टूडेंट्स 100 जन शुणु कथा को बहुत प्रॉपर्ली 100 मेन थे ये कौन आज्यूम करी एफिशिएंसी ऑफ वन मैन इज वन यूनिट पर डे दिन को वन यूनिट जदि वन यूनिट पर डे 100 लोकर गोटे दिन काम के 100 यूनिट्स 100 लोकर वन डे काम हो 100 यूनिट्स अबिया कौन है 25% बढ़ीगला आगुरु ईच वर्कर एफिशिएंसी थिला 1 यूनिट पर डे अबिका हेगला 1.25 यूनिट्स पर डे ठीक अच्छे ता माने मुझे जदि डेसिमल रे कहिबी 1.25 अर्लियर ईच पर्सन हैज एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे 100 लोकर हेला केते 100 यूनिट्स पर डे बट अबिका केते हेगला 25% बढ़ीला माने ईच वर्कर एफिशिएंसी हेगला 1.25 यूनिट्स पर डे एतिकी आपन क्लियर होची जदि एमिति न लेखि ना आपनटाकु बेटर हम एमती न लिखिकिना आम एम लिखिपर 25% मोर मैंने 1+1/4 5/4 होगा 5/4 एफिशिएंसी होगा यूठ एटिकी 100 रु 150 केते एक्स्ट्रा अच्छी वर्क वर्क केते एक्स्ट्रा अच्छी वर्क केते एक्स्ट्रा अच्छी वर्क अच्छी 50 यूनिट एक्स्ट्रा ठीक अच्छे अबिका ईच वर्कर एफिशिएंसी 25% बढ़ीगला मानने 5/4 होगा 5/4 होगा ईच वर्कर एफिशिएंसी तेल के वर्कर दरकार पड़े दिस इज इक्वाल टू 50 × 4/5 व्हिच इज 40 तमाने 40 वर्कर दरकार पड़े 40 वर्कर दरकार पड़े बट आप पचार परसेंटेज पचार अर्लीयर 100 जन थे अबिका 40 दरकार पड़े तमाने 40 out of 100 व्हिच इज 40% ऑप्शन सी इज करेक्ट क्लियर हो नेक्स्ट पचास बाय 1.25 करेंगे तो हाले भी 40 आसो है ओके देखो डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी ऑफ ए टेबल इज 175 देन प्रॉफिट ऑफ 14% अकर्स व्हाट इज द एसपी ऑफ टेबल व्हाट इज द एसपी मैंने सेलिंग प्राइस कथा कहला ओके मैंने प्रॉफिट परसेंट देला ये प्रॉफिटा देने मुझेपरि 14% वैल्यू हूँ 175 14% स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के 14/100 व्हिच इज 7/50 इजंट इट 14/100 टा हो 7/50 इन फ्रैक्शन टर्म दिस इज 175 तेल 100% टा के 100% मान हूँ कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस टा के 100% टा कौन 100/100 100% स्टूडेंट्स के 1 है 1 यूनिट वैल्यू के 100% टा के 175 × 50/7 दिस इज 25 × 5 हूँ 1250 यहाँ कौन आसला दिस इज योर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस पर आसला कहीं 100% हूँ कॉस्ट प्राइस ऊपर कैलकुलेट करा हुए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को बेस ऊपर कैलकुलेट करा हुए कौन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस 40% यहाँ 100% हूँ कॉस्ट प्राइस 1250 प्रॉफिट के 175 सेलिंग प्राइस पचार मैंने दिस प्लस यहाँ जेहेतु कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हूँ 175 ऐड कर दिखाँ सेलिंग प्राइस बाहर जीव 5/12/13/14/25 ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट x+1/x स्क्वायर टा हूँ 3 देन वैल्यू ऑफ दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ कौन करेंगे देखो कमी कर फर्स्ट किसी आपको अलजेब्रा पढ़ी थी बट ये मुझे फास्ट आपको बेसिक मेथड बुझे दूँ ना नहीं तो ओराल क्वेश्चन बेसिक मेथड फास्ट मुझे कहीदे x+1/x स्क्वायरटा हूँ 3 स्क्वायरटा हूँ के दैट इम्प्लाइज x+1/xटा हूँ √3 है x+1/xटा जी एन थाए तो x³+1/x³टा के n³-3n x+1/xटा एन थी स्टूडेंट्स x³+1/x³ n³-3n ताहले n³ हूँ के √3 र क्यूब के 3√3 - 3√3 हूँ 0 सो ये मुझे कौन कहीपरि दैट इम्प्लाइज x⁶ LCM नहीं जातु LCM नहीं गले कौन x⁶ इक्वाल टू -1 होगा दैट इम्प्लाइज मुझे x⁶+1=0 है ये पार्ट तो होगा क्लीयर x⁶+1=0 अबिका देखो यही पार्ट आपको पचार दिस पार्ट इज बिंग आस्ट करदे ये देखो ये लिखाई आपको x⁶
206 प्लस एक्स टू दि बट एटा स्टूडेंट्स किसी लिखार नहीं सब ओराल क्वेश्चन है ये सब माइंड में कराव बट आपको लिखिकिना बता हूँ ताकि किसी बिगिनर पे आज से बुझीपर ना ये सब मुहे मुहे आप करेंगे ये सब एत जिन लिखार नहीं गुड़ा जब प्राक्ट अच्छी ये सब मुहे मुहे कराव एटा बेसिक क्वेश्चन सब अलजेब्रा जो पिला परीक्षा देवाक जाऊ लिखिकिना कर पड़ू से पिला प्रिपेरेसन पूरा जीरो है ये सब मुहे मुहे क्वेश्चन करा कथा दैट इम्प्लाइज इम्प्लाइज ना ये इक्वाल टू लिखा हाँ इक्वाल टू देखो ये एक्स टू दि पावर 200 स्टूडेंट्स मुझे कमन नहीं आसवि तेल एक्स टू दि पावर 6 प्लस 1 रहा प्लस ये एक्स टू दि पावर 84 स्टूडेंट्स मुझे कमन नहीं आसवि तेल एक्स टू दि पावर 6 प्लस 1 रहा प्लस ये एक्स टू दि पावर 12 को स्टूडेंट्स मुझे कमन नहीं आसवि तेल एक्स टू दि पावर 6 प्लस 1 तापर ये कौन ये तो एक्स टू दि पावर 6 प्लस 1 सेमती भी अच्छी फाइन ये अच्छी ताने देखो ये पार्टा के दिस पार्ट इज जीरो दिस पार्ट इज जीरो दिस पार्ट इज जीरो दिस पार्ट इज जीरो कौटू फ्रम दिस राइट ताल आंसर के सब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हम जीरो ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक क्लियर होटा नोट इट डाउन मुझे स्क्रीन सैड से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन परीक्षा में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सैड हो स्क्रीनशॉट नियंतु और नोट इट डाउन ओके नेक्स्ट मुझे ये जिनस खाली आपको कह गए एक्स्ट्रा पॉइंट ये क्वेश्चन गोटे छाड़ दिखाँ टे समय क्वेश्चन गोटे भूल जातु गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कह मन रखिए पूरा माइंड में फिट हवा दरकार कौन जदि क्वेश्चन कौटी भी आपको कही एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वाल टू वन तेल मन रखिए एक्सएस क्यूब इक्वाल टू माइनस वन जदि कौटी आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वाल टू माइनस वन कही देन एक्स क्यूब इक्वाल टू वन एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वाल टू टू अच्छी देन एक्स इक्वाल टू वन जदि एक्स प्लस वन बाय एक्स को क्वेश्चन भी देसी माइनस टू देन एक्स इक्वाल टू माइनस वन फाइव एक्स प्लस वन बाय एक्स जदि कौटी भी रूट थ्री देसी स्टूडेंट्स तेल एक्स टू दि पावर सिक्स इक्वाल टू माइनस वन सिक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वाल टू माइनस रूट थ्री देसी ये माइनस रूट थ्री तेल एक्स टू दि पावर सिक्स इक्वाल टू माइनस वन माइनस वन अच्छे स्टूडेंट्स माइनस वन वन नुह माइनस वन एतिक कहते कंडीशनल आइडेंटिटीज दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जदि कौ कंडीशन को भी क्वेश्चन ये टाइप रा कंडीशन देसी एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वाल टू वन एटा देखिए ए कंडीशन को आप डायरेक्टली आसपारे जमी आपर कंडीशन थी यहाँ यही क्वेश्चन टाइम देखा ये तो आप देखु देखु आप डायरेक्टली कह क्या एक्स टू दि पावर सिक्स टाइम माइनस वन मैंने एक्स टू दि पावर सिक्स माइनस वन टाइम जीरो एतिक पॉइंट जानते हैं आपको सल्व करा पड़ता था ओराली आप आंसर मार्क करते दिस आर कंडीशनल आइडेंटिटीज थे गोटे स्क्रीनशॉट नियंतु मुझे टिके स्क्रीन साइड हो सो दैट आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे टिके स्क्रीनशॉट एटा रखिए मन है एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए स्टूडेंट्स है बेसिक जिनस गुड़ा कितना माइंड रहा दरकार आर आई एग्जाम तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है परीक्षा बेलू तो डेफिनेटली दुटा या भितर क्वेश्चन तो सब गुड़ा इंपोर्टेंट एटा भी इंपोर्टेंट एटा भी इंपोर्टेंट और यहाँ भी इंपोर्टेंट ए लास्टा ये इंपोर्टेंट नुह माइनस रूट थी वाला क्वेश्चन बहुत कम आसे बट ये पांचटा बहुत इंपोर्टेंट है आप आर आई क्वेश्चन देखिए या अल्जेब्रा क्वेश्चन जो आसला यार ऊपर व्यस्त हो गोटे ना गोटे है ना सो एटा मन रखिए डेफिनेटली ना नहीं हाथ में लिखा नहीं जी ना था आप मन रखना जी हाथ में लिखना पुणी परीक्षा धरा पड़े कहे सार कहते लिखा ना आप मन रखीदे के समय लगे मन रखा हाँ देख अल्जेब्रा आउ गोटे आप वर्कशॉप करी है कमी अल्जेब्रा ट्रिक गुड़ा को बहुत आराम से आप ट्रिक मन रखी पारे आपको कह चिंता करते हाँ आज क्वेश्चन फास्ट छाड़द मोटर बोट कैन ट्रावेल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इट ट्रावेल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर देन रिटर्न टू सेम प्लेस मैं सेम डिस्टेंस 91 डाउन स्ट्रीम गला 91 पुणी बैक अप स्ट्रीम आसला टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ओके 91 जदि डाउन स्ट्रीम जाए डिस्टेंस बाय स्पीड हो टाइम है स्पीड के आपंकर बोट्र हूँ 10 है जेहेतु डाउन स्ट्रीम बोट प्लस स्ट्रीम कराया पड़ो स्ट्रीम स्पीडटा को लेट्स एस मानिया ठीक अच्छे ओके डिस्टेंस बाय स्पीड हूँ आप टाइम स्पीडा एड कहीं कली 10 प्लस एस कहीं कली क्या डाउन स्ट्रीम कथ कौन प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड स्टूडेंट्स
टाइम बाहर अबिका अपस्ट्रीम आसो कहीं बैक कही सेम डिस्टेंस दिस बाय अपस्ट्रीम माने कौन बोट माइनस स्ट्रीम ठीक अच्छे टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इक्वाल टू देखिए आपको 20 अबिका ये क्वाड्रेटिक बन किना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन टा इनक्लूड ताकि आप मन रखिए ये सब क्वेश्चन मत क्वाड्रेटिक फॉर्म करना क्वेश्चन सॉल्व करियार ना केमी सॉल्व करेंगे ये सिंपल देखिए राइट हैंड साइड आर एच एस गोटे होल नंबर अच्छे होल डेसिमल अच्छे कि ना होल नंबर अच्छे तमें तल नंबरटा ओब्वियसली यार गोटे फैक्टर तल नंबरटा हूँ यार गोटे फैक्टर यही नंबरटा हूँ यार गोटे फैक्टर ठीक अच्छे तेल आम चेक करा ये एस रो भैल्यू पकड़े 91 रोटे फैक्टर हो जाए इन अदर वर्ड्स 91 टा यार गोटे मल्टीपल हो जाए ठीक अच्छे चेक कर थे 10 अच्छी 10 प्लस कौन कले गोटे फैक्टर हो 3 क्लीअरली दिशु 13 इंटु 7 हूँ 91 क्लीअरली दिशि जाऊँ यहाँ 10 प्लस 4 91 फैक्टर कि नाई ना 14 नुह तप 10 प्लस 2 12 12 भी नुह 10 प्लस 5 15 15 भी नुह 91 फैक्टर नुह ओब्वियसली 13 हम सो यहाँ 3 पकेबी 3 पकड़े 13 हो गला 7 एटी गले 10 माइनस 3 हूँ 7 हेले 13 7 प्लस 13 20 सैटिस्फाई कर जाऊँ सो ऑप्शन ए हम करेक्ट एटी सॉल्व करिवे नी डोंट सॉल्व बाय फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक एटी सिंपल फैक्टर चेक करियार अच्छे ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट एन एरोप्लेन साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड एट स्पीड्स ऑफ एतिकी है स्क्वायर फील्ड माने डिस्टेंस का चार्टा जाकर साइड रो डिस्टेंस सेम है ओके देन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अच्छा तेल टोटल डिस्टेंसटा कौन करिया या एलसीएम टा मानदा 200 400 600 800 एलसीएम केमी मानती एलसीएम सब बड़ नंबर को धरवे बड़ नंबर मल्टीपल चेक कर चलिए 800 800 सब डिवाइड होना ना ना 1600 1600 सब गुड़ा है 2400 2400 सब हो जाने 2400 हूँ एलसीएम टोटल डिस्टेंसटा को 2400 मानिया ठीक अच्छे ओके 2400 हेले देखु दिस इज 12 है यहाँ हूँ 6 6 6 कले के 4 8 कले 3 ठीक ये पल आसला टाइम डिस्टेंसटा के जेहेतु स्क्वायर फील्ड कही चार्टा साइड अच्छी तमाने 2400 × 4 ठीक अच्छे डिवाइड बाय टाइम टाइम के 12 + 6 + 4 + 3 माने 10 + 3 हूँ 13 18 18 22 25 25 ठीक अच्छे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सो दिस इज केते होची स्टूडेंट सेटा दिस इज काटिले 9 जा होची 25 9 होची 225 आ 150 रहला तमे 96 96 96 × 4 90 × 4 हूँ 360 + 6 × 4 = 24 360 + 24 हूँ 384 ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक टैंक इज कनेक्टेड विथ 8 पाइप्स सम ऑफ द पाइप्स आर इनलेट एंड रेस्ट हूँ आउटलेट ईच ऑफ द इनलेट पाइप कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स इंडिविजुअली व्हाइल ईच ऑफ आउटलेट कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स ठीक अच्छे ईच इनलेट कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स तमाने एफिशिएंसी ऑफ इनलेट है जदि 8 आवर्स कंप्लीट टैंक को फिलअप कर दौर एफिशिएंसी कौन पर आवर वर्क वर्क डन इन लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम होची एफिशिएंसी ताले इनलेट एफिशिएंसी ऑफ इनलेट केते हबो 1/8 गोटे घंटा रे ती काम करथुओ आउटलेट कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स माने एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट केते हबो 1/6 क्लियर होतो स्टूडेंट्स एला किछि भी करनी बजे हला इफ ऑल पाइप्स आर ओपनड व्हेन अपॉइंट व्हेन टैंक इज फुल इट टेक्स एक्जैक्टली 8 आवर्स फॉर द टैंक टू एम्प्टी माने टैंक टा फाइनली एम्प्टी होची फाइनली टैंक एम्प्टी होची ताले एटी नेगेटिव वर्ड टा कोन जेहेतु नाउ मार्क दिस वेरी केयरफुली कथाटा बहुत प्रॉपर्ली सुनबे जहा को आउची जदी फाइनली स्टूडेंट्स टैंक टा एम्प्टी होची ताले एटी नेगेटिव वर्क कोडा एटी नेगेटिव वर्क होची फिलिंग टा फिलिंग करियार नेगेटिव वर्क है ना फाइनली टैंक होची एम्प्टी जोटा डोमिनेट करुची जदी टैंक फिल हेतांता शुणतु प्रॉपर्ली जदी टैंक फिल हेतांता ताले एम्प्टी करियाटा होची नेगेटिव वर्क जेहेतु टैंक एम्प्टी होची फिल करियाटा होची नेगेटिव वर्क क्लियर होची स्टूडेंट्स
ବୁଝିଥିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ କ୍ଲାସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ହଁ ଇଏ ଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍କ ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଯେହେତୁ ଏମିତି ହେଉଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ତା ମାନେ ଫିଲିଂଟା ହେଉଛି ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଓକେ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସ ହେଲା ଲେଟ୍ ସେ ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ପାଇପ୍ସ ହେଉଛି ଆଠ ଏକ୍ସ ଯଦି ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସ ହେଲା ପର୍ ଆୱାର୍ କେତେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ହେଉଛି ପର୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସ ପର୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ତା ମାନେ ଏତିକି ହେଲା ୱାଇଟ୍ ଏତିକି ୱାର୍କ ହେଉଛି ପର୍ ଆୱାର୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ସର କାମ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଏମିତି ହେଉଛି ତା ମାନେ ଇନଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍କ କାହିଁକିନା ଫାଇନାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ହେଉଛି ତା ମାନେ ଫିଲିଂଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଉଟଲେଟ୍ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଏମାନେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଇଚ୍ ପାଇପ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ତା ମାନେ ଏତିକି କରିବେ ବାଇ ସିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଅଲ୍ ପାଇପ୍ସ ଆର୍ କେପ୍ଟ ଓପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିକ୍ସ ଆୱାର୍ସ ଫର୍ ଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଏମ୍ଟି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ନେଉଛି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏମ୍ଟି ହେବାକୁ ତାହେଲେ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପର୍ ଆୱାର୍ କେତେ ହୋଇଥିବ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କଟାକୁ ଇକ୍ୱେଟ୍ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁ ମାଇନସ୍ କଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ କାହିଁକି କଲି କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିନା କହୁଛି ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାଲି ଏମ୍ଟି ହେଉଛି ଫିଲିଂଟା ହେଉଛି ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ମାଇନସ୍ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଓକେ ତ ଚବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଚବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଚବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚାରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବତିଶ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଛି ଏପଟେ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସଟା ପଳେଇବ ଏପଟେ ଅଠେଇଶ ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚାରି ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଚାରି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ ଫାଇନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବଟ୍ ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ପଜ୍ କରିଦେଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଥିଲା ମାନେ ହଁ ଏଇଟା ସରିଥିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ପୁଣି ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଶିଖିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଣି ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଶିଖିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବହୁତ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆପିୟର୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଶିଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଏ ଫୋର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚାଲିଲା ସବୁବେଳେ ୟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ ୟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ମାନିଦେବେ ଲେଟ୍ ସେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲେଟ୍ ସେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ନମ୍ବର୍ କେ ସମ୍ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ କେ ଅବିକା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବାଏ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କରିଦେଲି ଏନି ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଲେଟ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବାଏ ସେଭେନ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ତ ଏଇଟା ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ସୋ ଏଇଟାକୁ କେ କେ କଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ କେ ଇଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ କେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ କେ ଅବିକା ଏଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଟା ହେଉଛି ସେଭେନ୍ କେ ସୋ ୟା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ଟା କେତେ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ସୋ ୟା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ଟା କେତେ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଫେଡ଼ିବି ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଉଛି ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାହାର କରିବା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ବୁଝେଇଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି
और जदि फोर ए बी तो मैंने ये एक्स वाई अच्छी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर फेड़े कौन हम फोर एक्स वाई ठीक अच्छे दिस इज इक्वल टू 48 के स्क्वायर फाइन दरकार आमको एक्स वाई ठीक अच्छे ओके चिंता करूँ ये कमी आस आम ये अब्जर्व करूँ दिस पार्ट इज इक्वल टू के ठीक अच्छे दिस इज इक्वल टू के ताहले एक्स वाईटा मुझे कौन कही पारि जब एक्स वाई बाय फोर इक्वाल टू के एक्स वाई इक्वाल टू फोर के एक्स वाई इक्वाल टू फोर के अबिका जब एक्स वाईटा स्टूडेंट्स फोर के ये रिप्लेस करूँ दैट इम्प्लाइज मुझे कौन कही पारि एक्स वाईटा हूँ कैसे एक्स वाईटा हूँ फोर के सो ये एक्स वाई जगह फोर के पका अरे बुझीपारे कि देखु एक्स वाई बाय फोर इक्वाल टू के दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वाल टू फोर के सो एक्स वाई जगह मुझे फोर के पकई पारि ये एक्स वाई जगह फोर के पकड़े कौन हो 16 के फोर अलरेडी थी 4 इंटू 4 के 16 के इक्वल टू 48 के स्क्वायर सो के आउ के स्क्वायर के आंसर ये खाली गोटे के बचला ठीक अच्छे सो मुझेपरि के इक्वल टू 16 बाय 48 व्हिच इज 1/3 के रैल्यू आसला 1/3 ठीक अच्छे के रैल्यू आसला 1/3 आम जानते एक्स वाई बाय फोर इक्वाल टू के ठीक अच्छे दैट इम्प्लाइज एक्स वाई बाय फोर के रैल्यूटा केते आसला ये 1/3 दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वाल टू 4/3 ऑप्शन ए इज करेक्ट एत डिटेल आपको कह दरकार नहीं आप बहुत आराम से करदे पारे मुझक बुझेपी बहुत एलाबरेटली कली सो दैट कौ पिला किसी डाउट न रो नोट कर दिंतु ठीक नेक्स्ट एन आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस 8000 इज मार्क दैट एति आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट 12% प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड मैं प्रॉफिट परसेंट दिखाई द वैल्यू ऑफ एक्स इज मैंने डिस्काउंट परसेंटर वैल्यू पचारे ओके सो ये दुटा अप्रोच करिया मेथड वन मेथड टू है मेथड वन होची यूजिंग फॉर्मूला मेथड टू होची यूजिंग रेशियो ठीक अच्छे देखो यूजिंग फॉर्मूला केमती करिया मु आपन को बहुत थर पढ़ी एमपी बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ठीक अच्छे सो ये देखो स्टूडेंट्स ये आपणकर कॉस्ट प्राइस आउ मार्क मार्क आर्ट एति माने कॉस्ट प्राइसटा हूँ 8000 मार्क प्राइसटा हूँ आप 11200 ठीक अच्छे ताहले या रेशियो केते अच्छी रेशियो हूँ दुटा जीरो जो ये पड़ेगा तो मैंने 80 देख प्रॉपर्ली कर दूसरे तो मैंने ये रेशियो के दिस इज 16 काटले 5/7 5/7 ठीक अच्छे सीपी बाय एमपी हूँ के 5/7 सो यटा हो दैट इम्प्लाइज 7/5 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हूँ 12% तो मैंने दिस इज 112 डिस्काउंट परसेंटा के मतलब जाना ना केमती करा 7/5 जो रेशियो यहाँ हूँ से रेशियो 7 रो केते टाइम्स ये 16 टाइम्स 7 × 16 हूँ 112 मैंने 8 × 16 हम ठीक अच्छे 8 × 16 हम व्हिच इज के 80 जदि यहीटा 80 हूँ यहाँ कौन हो पार 80 मान कौन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटा 80 तेल डिस्काउंट अरे मार्क करूँ डिनोमेटर कौन था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 रु किसी नंबर फेड़िकी 80 होने डिस्काउंट परसेंटा के डिस्काउंट परसेंट हूँ 20% ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक अच्छे क्लियर हो फर्स्ट अप्रोच सेकेंड हूँ यूजिंग रेशियो यहाँ हूँ यूजिंग अभी करिया यूजिंग रेशियो देखो रेशियो अप्रोच कमी करिया मार्क करूँ स्टूडेंट्स सीपी इज टू एमपी है सीपी इज टू एमपी के 8000 11200 है
ताहले दीटा जीरो तो पड़े तमाने अशी इज टू शहे बार केमती दीटा जीरो कैनसल करदेली एटा जदि मुझे काटबी षोह फाइव इज टू सेवेन ठीक अच्छे फाइव इज टू सेवेन राइट प्रॉफिट परसेंट हूँ 12% प्रॉफिट परसेंटा हूँ 12% ठीक अच्छे 12/100 दिस इज 12/100 चार रे काटले 3/25 है 3/25 चार रे काटले 3/25 ताहले प्रॉफिट परसेंटा कहाँ कहाँ को लिंक करे स्टूडेंट्स पीपी इज टू एसपी है जेहेतु 3/25 ताहले कॉस्ट प्राइस टाक 25 मानी ताऊपर तीन प्रॉफिट ता मैंने यहाँ हूँ 28 ठीक अच्छे यहाँ हूँ 28 अरे कॉस्ट प्राइस एटा कौन बुझुना ना नहीं प्रॉफिट परसेंटा कहाँ कैलकुलेट करा स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस 3/25 25टा हूँ कॉस्ट प्राइस 3 प्रॉफिट 28 अबिका मार्क करूँ एटा रेशियो कौन कमन अच्छी सीपी कमन अच्छे सीपी ये अच्छी 25 ये अच्छी 5 सेम कराया पड़ो सेम कराया पड़ो कम सेम कराया 25/5 एलसीएम हूँ 25 ता मैंने ये मल्टीप्लाई कर 5 व्हिच इज 25/35 राइट 25/35 अबिका ये देखो दिस इज देखो देखे दूसरे आप देखो यहाँ हूँ 35 यहाँ हूँ 28 35 रु 28 ठीक अच्छे सो डिस्काउंट केतर मिली डिस्काउंट परसेंट पचार सो डिस्काउंट हूँ 7 हूँ डिस्काउंट ऑन द बेस ऑफ मार्क प्राइस सो 7/35 व्हिच इज 1/5 जोटा हूँ 20% है ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक अच्छे 20% नोट इट डाउन स्क्रीनशॉट नहीं जानतु साइड हो स्क्रीन रु सांगे सांग करिया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखी दिले आपण नेक्स्ट 21 ओके एटा तो डायरेक्टली आइडेंटिटी पे बेस्ड एटा होची कोन दिस इज बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी कौन ये आप देखु देखो आंसर मार्क करदे जदि एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू 2 हूँ ताहले एक्स इक्वाल टू 1 जदि एक्स इक्वाल टू 1 ताहले एक्स टू दि पावर 100 इक्वाल टू 1 आउ एक्स टू पावर 100 1 तो 1+1 2 हम आंसर यहाँ देखु देखो मार्क करदे यहाँ हार्डली कौन 1 सेकेंड आप कहे क्वेश्चन हार्डली 1 सेकेंड बट कंडीशनल आइडेंटिटी मन रखिए आपको आउट टी आगे कही थी बट आउ थे लिखिदे यहाँ जितर लिखी हेत आप माइंड में प्रिंट हे जदि एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू 1 थी क्वेश्चन रे ताहले एक्स क्यूबा हूँ -1 सेकेंड कंडीशन आइडेंटिटी एक्स प्लस 1/x -1 थी एक्स क्यूब इक्वाल टू आप ने 1 के एक्स क्यूब इक्वाल टू 1 थर्ड जदि एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू 2 थी जमी ये अच्छे ताहले एक्सटा को ने 1 एक्स इक्वाल टू 1 4 जदि एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू -2 थी एक्स इक्वाल टू -1 आज्यूम करेंगे 5 जोटा आम यूज करते क्वेश्चन रे आई थिंक आउ टी आगे यूज करते कौन एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू √3 थी एक्स टू दि पावर 6 इक्वाल टू -1 जदि एक्स प्लस 1/x इक्वाल टू -√3 थी -√3 ताहले एक्स टू दि पावर 6 इक्वाल टू -1 ये दुटा केस -1 ठीक अच्छे एतिक जिनस मन रखिए जदि मन था ये 1+1 2 डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन 22 देख यार स्क्वायर रूट बाहर कर ओके देख 0.75 र क्यूब है मुझे जो कंप्लीट डिनोमिनेटर नहीं जीवी टोटल डिनोमिनेटर नहीं जीवी 1-0.75 है सो दिस इज प्लस एटा मल्टीप्लाय जेहेतु एटा कौन एट मल्टीप्लाय हो एटा एट मल्टीप्लाय हो गले कौन हेले देखंतु दिस इज आम लिख पारे वन माइनस छोट इंक्री करद वन माइनस 0.75 होल इनटू सिंपल एलसीएम नहीं स्टूडेंट्स खाली एलसीएम ने कौन हो दिस इज 0.75 प्लस
0.75 होल स्क्वायर प्लस 1 ठीक अच्छे ओके अबिका एति की पार्ट होरे ऑब्जर्व करंथ ए पार्ट टा को ऑब्जर्व करंथ हला एटा को फॉर्म रे अछि a माइनस b होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर क्लियर हो जी a माइनस b होल इनटू a स्क्वायर 1 स्क्वायर आपन को जो फार्मूला जाना नै कोन a क्यूब माइनस b क्यूब टा हो जी a माइनस b होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ठीक अछि जदि a टा को मु नेबी 1 आ b टा को नेबी 0.75 ठीक अछि a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई करबी ठीक अछि तारे कोन हे जीवो 1 माइनस अप्लाई ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई करी 1 माइनस 0.75 हला होल इनटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इनटू 0.75 होची 0.75 प्लस बी स्क्वायर टा होची केते 0.75 रो होल स्क्वायर ठीक अछि देखंतु एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन एट लिखा है जी कि नहीं एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन लिखा है जी ता माने हमें कौन कहि परिया दैट इंप्लाइज एट कौन लिखा है जी मु कहि परिबी सो दिस इज 0.75 रो होल क्यूब प्लस प्लस एटा कौन हिबो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब सो 1 क्यूब माइनस 0.75 होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होचे ए पार्ट सो दिस पार्ट विल गेट कैंसल्ड आउट डिनोमिनेटर रे कौन थिला ए पार्ट ता थिला 1 माइनस 0.75 ठीक अछि अभी का देखंतु कौन हे गला सो दिस इज 1 बाय 1 माइनस 0.75 ता होची 0.25 सो 1 बाय 0.25 ता होची 4 ठीक अछि 4 आसला सो 4 आसला आंसर अपन 4 मार्क कर देबे नी एठी स्क्वायर रूट कहि छी त माने 4 रो स्क्वायर रूट होची 2 आंसर क्लियर गुड क्वेश्चन नेक्स्ट व्हेन ए नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइडेड सक्सेसिवली दिस इज सक्सेसिव डिवीजन कांसेप्ट हला देखंत डिवाइड सक्सेसिव बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 2 3 4 रेस्पेक्टिवली द लीस्ट सच नंबर हला लीस्ट सच नंबर को जे कांसेप्ट बुझंत हला आपन स्टूडेंट जणा हाची डिवाइजर टिके प्रॉपर्ली लिखि दो आप डिवाइजर इनटू भीतर थाय डिविडेंड एठी आसे कोशेंट तळे आसे रिमाइंडर ठीक अछि डिवीजन बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम कोन डिविडेंड जोडा मजरे थाय दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर एटा कले ए मछि पाटा आसीबो एति त अपन जणा आछी एति जणा आछी राइट जदी एति जणा आछी आमे याकु ही अप्लाई करिया सक्सेसिव डिवीजन माने सक्सेसिवली डिवाइड करा होछ दिस इज बेस्ड ऑन देखंत एठी हतला सक्सेसिव डिवीजन ऊपर हला कांसेप्ट आपन बुझैले बे क्वेश्चन सॉल्व करिया देखम चार रे डिवाइड करले एडा सब डिवाइजर दिया है छै रिमाइंडर दिया है छै ठीक अछि ओके ठीके भल लेवल क्वेश्चन सेट गमे एंटर करलेनी सो चार रे डिवाइड करले हला चार रे डिवाइड करले हमर अ नंबर को नंबरटा अ नंबर वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स दिस वन लेट्स से नंबरटा होछि आपनकर n हला डिवाइड करले क्वेश्चन लेट्स से q आछि हला आ रिमाइंडर केते आछि रिमाइंडर आछि 2 ठीक अछि तापर नेक्स्ट स्टेप कोन हला एटा होछि स्टेप 1 स्टेप 2 रे कोन होछि स्टेप 2 रे होछि सेकंड डिवाइड करा होछि 5 रे ठीक अछि सक्सेसिव डिवीजन माने 8 जो क्वेश्चन आसला सर 8 जो आपनकर 8 जो क्वेश्चन आसला आंसरटा सेटा डिवाइड करा हो कना सक्सेसिव डिवीजन डिवाइड करा हो 5 रे सो 5 रे डिवाइड करा हो क्यूक क्यू को डिवाइड करा हो लेट्स से क्वेश्चन आसुचि आर आ 8 आपनकर रिमाइंडर आसुचि केते 3 ठीक अछि ओके तापर थर्ड स्टेप रे आसिया थर्ड स्टेप रे कोन होची 8 होची आर टा क्वेश्चन अबिका आर को डिवाइड करा हो कहा देरे 6 रे सो 6 रे मो डिवाइड करबी आर को हला कले आपनकर लेट्स से क्वेश्चन एनी नंबर आसुचि लेट्स से जेड आसुचि क्वेश्चन हला आउ रिमाइंडर आसुचि 4 रिमाइंडर आसुचि 4 ठीक अछि क्लियर होची ओके अबिका हमें
लिस्ट नंबर बाहर करिया माने एन रो वैल्यू बाहर करिया लिस्ट नंबर देखंतु कांसेप्ट एगुडा बहुत सिंपल क्वेश्चन खाली आपन बुझाय को लिखा होछ एही केस रे मु कोन कहि परबी आर ता केते होछ आर ता होछ 6z + 4 बट आपन को कहि छी लिस्ट नंबर स्टूडेंट्स जेहेतु लिस्ट नंबर कहि छी ता माने लास्ट रे जो डिवाइजर ता आछी लिस्ट नंबर कथा कहि छी ता माने एही पार्ट ता हबो 1 कना लिस्ट नंबर कथा कहि छी सो फाइनल जो हम डिवाइड करिया एटा एठी 1 आसिया कथा क्वेश्चन ताकि लिस्ट नंबर फॉर्म हबो लिस्ट नंबर कथा कहि छी मिनिमम सच नंबर तले से फाइनल डिवीजन रेटा 1 आसिबो तले r टा केते हबो 6 × 1 + 4 होची 10 r टा 10 आसला ठीक अछि अबिका एठी हम कोन कहि परबी जदी r टा 10 आसला तले q टा केते हि जिवो q इक्वल टू r टा होची आपनकर आठ टा हे गला एठी देखो लिखि दो छे आठ टा 10 आसी जाय ठीक अछि अबिका देखो तो क्यू टा केते हबो 10 × 5 + 3 50 + 3 होची 53 ठीक ओके एटा सरला एठी क्यू बाहरला अबिका एन बाहर करिया सो देखो तो एठी क्यू टा केते आसला 53 ठीक अछि ताहले मु कोन कहि परबी एन केते हबो एन इक्वल टू केते 53 × 4 + 2 53 × 4 होजी 200 + 12 200 + 3 × 4 200 + 12 212 होजी 214 ऑप्शन डी इज करेक्ट इज अ गुड क्वेश्चन हला नोट इट डाउन स्क्रीनशॉट नि जानतो मु साइड आउजी टेक 1 सेकंड लिखले अपनो नेक्स्ट 3 स्फेरिकल बॉल्स क्वेश्चन नंबर 24 रे हम अछंती अबिका 45 टा क्वेश्चन अछि हला केते समय लागि बावंत हला ओके 24 नंबर रे हम अछ स्पीड बढाय पडियो 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस प्रभु 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म सिंगल स्फेरिकल बॉल मेल्टेड माने कोन मेल्टेड रो कांसेप्ट हला माने वॉल्यूम सेम हो ठीक अछि मेल्ट करा हो छि माने कोन वॉल्यूम सेम कथा हेडी कहा हो छि सिंगल स्फेरिकल बॉल इन द प्रोसेस लॉस ऑफ मटेरियल साउंड ठीक अछि हां इज 25% लॉस जदी 25% हो छि त माने बंची छि केते 75% हला ओके देन रेडियस ऑफ न्यू बॉल वॉल्यूम रो फार्मूला कोन 4/3 πr³ बट 4/3 π टा त हो छि कांस्टेंट यार किछि रोल रहिबनी कांस्टेंट रो कंसीडर करिया दरकार नै हला कांस्टेंट रो किछि रोल नै सो एठी खाली आर क्यूब ऊपर कथा आता रेडियस क्यूब ऊपर ठीक अछि सो देखिया हमें 1³ + 2³ + 3³ हो छि केते 1+8+27 1+8 = 9 9+27 हो छि 36 बट यार लॉस हो छि 25% ताले रहु छि केते 75% माने यार 3/4 दिस इज 9 9 × 3 इज हाउ मच 27 रहु छि हला सो रेडियस ऑफ न्यू बॉल लेट्स से रेडियस ऑफ न्यू बॉल टा होची आर सो एटा कोन बाहरला r³ बाहरला रेडियस ऑफ न्यू बॉल रो क्यूब बाहरला कहना वॉल्यूम इक्वल हबो तीनटा रो वॉल्यूम मिसि किना बडा बॉल रो वॉल्यूम वॉल्यूम टा होची r³ दिस इज नॉट r एटा होची r रो क्यूब ताहले r टा केते r³ टा केते हबो यार रो क्यूब रूट व्हिच इज 3 ठीक अ बैट्समैन इन हिज 12th innings makes a score of 63 runs thereby increased his average by 2 runs average of his score after 12th innings okay eti hum di ta approach kari pariba using deviation kari pariba orally kari pariya kemiti orally 11 ta inning agru thibo so 11 × 2 hoji 22 63 minus 22 hoji kete 41 hala emti hum muhe muhe kari paribe let's say muhe muhe kari chahu nanti tahale ame basic approach bhi kari pariya okay 12th innings re करूजी 63 स्कोर हैला ताहले लेट्स से एवरेज एवरेज टिल 11th इनिंग्स टिल 11th इनिंग्स एवरेज होची एक्स हैला एवरेज में मानली एक्स केते जाय टिल 11th इनिंग्स ताहले टोटल स्कोर टा केते 11x ठीक अछि 11x तना 11 इनिंग्स जाय एवरेज होची एक्स तापर 12th रे कोन कला 63 मार देला हैला
इलेवेन्थ इनिंग टोटल स्कोर, इलेवेन्थ इनिंग जाए आवरेज हूँ एक्स, टोटाल स्कोर हूँ कैसे इलेवेन एक्स प्लस ट्वेल्थ स्कोर हूँ 63, दिस इज इक्वाल टू टोटाल, टोटाल कैसे आवरेज दुई बढ़ी जाऊँ मैंने एक्स प्लस टू हो आगुरी थी कैसे एक्स थी अबिका एक्स प्लस टू होगा आवरेज, अबिका इनिंगस के ट्वेल्थ इनिंगस मैंने बारटा इनिंगस है सल्व कर दिखाँ एक्स वैल्यू बाहर कर दिखाँ दिस इज 11x plus 63 equal to 12x plus 24. That implies x equal to कितने हो ची? 63 minus 24 हो ची? 39 हो ची x का वैल्यू. X टाइम मंथ ले एवरेज टिल 11 इनिंग्स. बट पहुँची ची एवरेज 12 इनिंग्स परे. अभी का एवरेज टा कौन? इंक्रीज है जी दीर्घ अंदर. एवरेज टा दीर्घ अंदर इंक्रीज है जी. मैंने x plus 2 है जी. तो मैंने एक्सटा जब 39 एक्स प्लस टू टा के 41 ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक क्लियर नोट कर टिके गोटे सिप पा नहीं जाए बहुत समय ठिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया देखो एटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टा किसी ना याद सिंपल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर रैशनलाइज करेंगे यूजिंग कंजुगेट. देखो तो मुझे गोटे टर्म में आपको देखे दूसरी एटा आप समस्ते स्कूल टाइम पढ़ी एक्सप्रेशन को रैशनलाइज केमती करती कंजुगेट मल्टीप्लाय करना यहाँ है अबिका या मत रैशनलाइज करमी करी कंजुगेट मल्टीप्लाय करी यार कंजुगेट कौन स्कूल टाइम पढ़ते कंजुगेट तो दिस इज रूट टू माइनस रूट वन उपरे भी सीटा मल्टीप्लाय करी. ठीक अच्छे अबिका तरटा कौन है ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी एटा रूट वन प्लस रूट टू जगह रूट टू प्लस रूट वन से तो ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी कौन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कौन हम टू माइनस वन वन तरटा वन हो तरटा वन होगा ऊपरटा खाली बचा के रूट टू माइनस रूट वन. ठीक अच्छे क्लीयर हो गोटे टर्म आप देखेदेली लाइकवाइज आप कौन मल्टीप्लाय करेंगे ये यहाँ हूँ रूट थ्री प्लस रूट टू ताक रैशनालाइज करने यार कंजुगेट के रूट थ्री माइनस रूट टू उपरे तले मल्टीप्लाय करेंगे तो तरटा वन हो ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी ए स्क्वायर हूँ ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरटा रैशनालाइज होगा वन होगा उपरे के बचे लिखीदे मुझे देखो फर्स्ट टर्मटा के फर्स्ट टर्मटा डिनोमिनेटर तो वन हो बच रूट टू माइनस रूट वन प्लस ये देखो या रैशनालाइज करने या कंजुगेट के रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट टू तले मल्टीप्लाय हे उपरे मल्टीप्लाय हे तलटा ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी होना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री माइनस टू वन होते बच रूट थ्री माइनस रूट टू लाइक वाइज चलना टी पैटर्न अब्जर्व करूँ ये देखो कौन कैनसल हो माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैनसल हो लाइक वाइज सब टर्म कैनसल हो मझे मझे ये प्लस रूट थ्री अच्छी ये माइनस रूट थ्री कैनसल हो. ठीक अच्छे बचिव प्रथम टर्म हूँ माइनस रूट वन मैंने जोटा हूँ वन आउ लास्ट रे कौन बचे लास्टा के देखो यही पार्टा यहाँ के दिस इज रूट हंड्रेडटा हूँ आप टेन माइनस रूट 99 रूट हंड्रेड माइनस रूट 99 लास्ट टर्मटा भी रैशनालाइज होता कंजुगेट मल्टीप्लाई होना तो यहाँ भी कैनसल हो ठीक या आगे जो टर्म थी तेरे कैनसल हो खाली बचे लास्ट टर्मटा और ये वन तो फाइनाल एक्सप्रेसन के टेन माइनस रूट वन रूट वन टा हूँ के मैंने टेन माइनस वन हुई इज नाइन यहाँ हूँ ओराल क्वेश्चन देखिक आंसर मार्क आसाला टी माइंड चिंता करेंगे एत जिनसे लिखार ना टेन माइनस वन हूँ नाइन. नेक्स्ट फाइंड डिफरेन्स बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन दिस फॉर वन ईयर आ 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज टेकन हाफ ईयरली. ठीक अच्छे हाफ ईयरली फॉर वन ईयर है ओके ताहले 10% हूँ पर एनम हाफ ईयर पर के 5% जेहेतु हाफ ईयरली आउ वर्ष कथा कही वर्ष भितर के हाफ ईयर दुईटा हाफ ईयर ताहले 2 वर्ष बाहर करिया देख कौन कह चाहे 12 हूँ आप प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हूँ 5% है दी थर आम बाहर करिया मैं 2 वर्ष बाहर करिया सी आई एस आई टेबुल फर्माट देख के 5% हूँ के 1/20 1/20 अफ 1200 के 60 प्रथम वर्ष इंटरेस्ट प्रथम वर्ष एस आई सी आई सेम सेकेंड वर्ष कौन प्रिंसिपल रो आर परसेंट हूँ 60 प्रथम इंटरेस्ट रो आर परसेंट 60 रो 1/20 मैंने 5% 1/20 हुई इज 3
ए कंप्लीटा हूँ दि वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट, ए कंप्लीटा हूँ दि वर्ष सिंपल इंटरेस्ट, जदि एसआ सीआई माइनस एसआई करी दि वर्ष पर बंचीज यही पार्टा क्लीयर हो एक कंप्लीटा हूँ दि वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट एति हूँ दि वर्ष सिंपल इंटरेस्ट सफ्ट आड कले कौन बंच थ्री बंच आंसर हवा कथा ऑप्शन ए ठीक क्लीयर हो नेक्स्ट आपड़ रेसीो रे भी करेंगे और फर्मुला अप्लाय करेंगे पी आर स्क्वायर बाय हंड्रेड स्क्वायर चाहिए यहाँ भी अप्लाय करेंगे बट दरकार नहीं फर्मुला आप रेसीो मेथड भी करेंगे धरतु मुझे रेसीो मेथड कहीदे यही सेम जिनस देख पांच परसेंटा हूँ आप बाय ट्वेंटी फ्रैक्शन रे वन बाय ट्वेंटी तेल प्रिंसिपल को मार दिंतु जेहतु दि वर्ष कथा कहते मानते हाफ इयरली कथ कह वर्षक दुईटा हाफ इयर तेने यार स्क्वायरटा मान दिंतु चारिश को मान दिंतु प्रिंसिपल चारिश रच परसेंट मैंने वन बाय ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी अफ फोर हंड्रेड हूँ कोड़े प्रथम वर्ष कोड़े इंटरेस्ट सेकेंड वर्ष कोड़े पुणी प्रिन्सि प्रथम इंटरेस्ट रन बाय ट्वेंटी ह्विच इज एक ठीक अच्छे यहीटा हूँ दि वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट यहीटा हूँ दि वर्ष सिंपल इंटरेस्ट तार डिफरेन्स कौन पार्ट आसला यही पार्ट आसला ठीक अच्छे अबिका मार्क करूँ चारिशटा आकचुआली आम प्रिन्सीपाल आज्यूम करें मानी बट आकचुआल प्रिन्सीपाल के बारश तमें यहीटा हूँ बारश के यार थ्री टाइम्स ताल डिफरेन्सटा हूँ एक तो यार थ्री टाइम्स हम आकचुआल ठीक आउ यूजिंग पी आर स्क्वायर बाय हंड्रेड स्क्वायर आप निजे करेंगे यहाँ हूँ फर्मूला यहाँ निजे करेंगे डिटेल पढ़ाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास एक्स एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वाल टू सेवेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टा देखंतु एक्स एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वाल टू सेवेन ठीक अच्छे ये क्लीयरली दिशु क्यूब अच्छी थ्री ए स्क्वायर बी ए फॉर्मेट रे अच्छी थ्री ए बी स्क्वायर ए फॉर्मेट रे अच्छी ताहले गोटे काम करिया दैट इम्प्लाइज एक्स एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एपटे वन आड करदे तेल एपट सैडटा पूरा एक्स प्लस वन होल क्यूब होदी एट वन आड कली तो एपट सैड्रे भी तो वन आड करी राइट सो दिस बिकम्स एक्स प्लस वन होल क्यूब इक्वाल टू एट दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इक्वाल टू टू ठीक अच्छे तो एक्स रैल्यूटा के दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वाल टू वन वन हम आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक ठीक कर हाँ करेक्ट अच्छे एक्स हम वन नेक्स्ट फोर बेल्स रिंग आट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स वन आवर 30 मिनट्स वन आवर 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली ऑल एटा ऑल लिखा है ऑल ऑल द बेल इज रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट ऑल द बेल आर हम ऑल द बेल्स ओके एटा बेल्स एल अच्छी आउ गोटे एल एट अच्छे ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 12 नून देन दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट एटा तो क्लियर क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एलसीएम रो क्लासिक क्वेश्चन एटा ओके 30 मिनिट्स केमती करिया देखंतु एटी बेसिकली हमको यूज हबो फ्रैक्शन रो एलसीएम केमती नियंती सेटा हम यूज करिया एटी 30 मिनिट्स टा आवर रे होची हाफ वन आवर टा को मानी भी वन सब आवर लिख दूच वन आवर 30 मिनिट्स माने वन होल वन बाय टू व्हिच इज थ्री बाय टू आवर्स लिख दूच थ्री बाय टू आवर्स वन आवर 45 मिनिट्स माने वन होल 45 बाय 60 व्हिच इज पंदर रे काटले तीन बाय चार व्हिच इज सेवेन बाय फोर फाइन ठीक तो चार्टा फ्राक्शन अच्छी आमको दरकार यांको एलसीएम ठीक अच्छे ताहले केते हबो देखंतु एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन केमती बाहर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर जानते आप फ्रैक्शन मानक एलसीएम केमती बाहर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एटा तो वन एटा तो वन छाड़ दिंतु तीन आउ सात होती को प्राइम जेहेतु तीन आउ सात को प्राइम सो यांको एलसीएम हम 21 है फ्रैक्शन रो एलसीएम केमती बाहर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कौन कौन अच्छी दुई दुई चार आउ एठी अच्छी एक वन बाय वन ठीक अच्छे तो एचसीएम टा होची केते वन ताहले आंसर होची केते आंसर हम 21 21 होची यांकर कौन एलसीएम ताहले 21 आवर्स आफ्टर 21 आवर्स दे विल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन तमाने 12टा नून 12 नून प्लस 21 आवर्स 12 नून रु नेक्स्ट 12 नून हम 24 घंटा
ताधेरु तीन घंटा कम करदे ताले नौटा 9 AM हला 9 AM √7 √7 343 5 एटा इक्वल टू हो ये फ्रेंड्स ये इक्वल टू होगा दिस इज इक्वल टू 343 टू द पावर वाई माइनस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई बहुत सिंपल क्वेश्चन ये तो बुझे भी दरकार नहीं है ना देखो ये कौन बुझे भी देखो दिस पार्ट हला एटा को आप मान दिं लेट्स से एक्स हला लेट्स से एक्स दैट इम्प्लाइज मु कौन कही पारिबी रूट सेवेन जेहेतु एटा एक्स मना है एटा चली टिल इनफिनिटी तो यूठ मुझे कही पारिबी दिस इज एक्स हला दिस इज इक्वल टू एक्स दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x दीपर साइड स्क्वायरिंग कर देली सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सात एक्स एक्स कैंसल हो एक्स इक्वल टू 7 जदि एक्सटा 7 होगा अबिका ये पुट कर दिं सो यही पूरा भैल्यूटा 7 पलि आसला ठीक अच्छे सो जदि क्वेश्चन में पुट करी 7 इक्वल टू 343 टा हो 7 क्यूब स्टूडेंट्स दिस इज 7 टू दि पावर 3 वाई माइनस 3 फाइन क्लियर हो दैट इम्प्लाइज एट पावर वन एट जेहेतु बेस सेम हो सारे पावर को इक्वेट करदे बेस सेम हो सारे सो मुझे वन इक्वाल टू 3y-3 दैट इम्प्लाइज वाई इक्वाल टू 4/3 ठीक अच्छे 4/3 ठीक अच्छे ना 4 हाँ 4/3 ऑप्शन सी इज करेक्ट फाइन क्लियर हो फ्रेंड्स रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ टी एनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 25 kg मोर टी फॉर 2250 व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ टी ओके प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर और आप प्राइस इनटू क्वांटिटी प्राइस इनटू कंजम्पशन कही पारे क्वांटिटी कही पारे इक्वल टू एक्सपेंडिचर यहाँ आपको बहुत थर मुझे पढ़े परसेंटेज क्लास भी पढ़े है जेहेतु ये एक्सपेंडिचर खर्च हूँ कन्स्टांट खर्च हूँ कन्स्टांट ताल प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी जेहेतु एक्सपेंडिचर कन्स्टांट तो क्वेश्चन सॉल्व करिया रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ताले प्राइस कौन होची 10% रिडक्शन होची 10% होची स्टूडेंट्स 1/10 ता माने 10 रु 9 होची केमिति जदि 10 होची मोर इनिशियल प्राइस यार 10% केते 1/10 माने 1 कम होची ता माने 10 रु 9 होची प्राइस जदि प्राइस एटा हला ताले जेहेतु एटा इनवर्स रिलेटेड टू क्वांटिटी क्वांटिटी कौन हबो 9 रु 10 काहे कि बिकॉज़ प्राइस ऑफ क्वांटिटी इनवर्स रिलेटेड व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट क्लियर होची क्वांटिटी 9 रु 10 बढ़ला बट कही कौन परचेस 25 kg मोर ताने ये रेसीो गैप हूँ 1 यूनिट बट एक्चुअली दिस गैप इज 25 kg है ना 25 kg मोर परचेस कर पार्छे जदि प्राइस कम होके व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ टी ओके रिड्यूस्ड प्राइस कथा पचार वन रैल्यू हूँ 25 तेल 10 रैल्यू के 250 ठीक अच्छे यहीटा हूँ रिड्यूस प्राइस क्या प्राइसटा हूँ 10 रु 9 यहाँ हूँ रिड्यूस प्राइस रे 250 kg प्रड्यूस मैंने 250 kg किणुची प्राइस के 2250 डिवाइड बाय रिड्यूस प्राइस रे के क्वांटिटी कौन 250 है 0 0 कैनसल 25 रे हूँ 9 90 ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट ए टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स परसेंटेज क्लास ही पढ़ेगी है परसेंटेज थ्योरी क्लास चेक करेंगे टू प्लेसेस आर 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम एंड मीट आफ्टर 6 आवर्स हैड ए ट्रैवल्ड 2/3 ऑफ हिज स्पीड एंड बी ट्रैवल्ड विथ डबल हिज स्पीड देन दे वुड हैव मेट आफ्टर 5 आवर्स फाइंड द स्पीड ऑफ ए दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कौन बहुत सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड बहुत सिंपल क्वेश्चन किसी ना देखो डिस्टेंस होची दिजन को भीतर 60 किलोमीटर आउ मीट करचंती आफ्टर 6 आवर्स ठीक अच्छे ताले स्पीड केते एज दे आर मूविंग टुवर्ड्स इच अदर स्टूडेंट्स ताले रिलेटिव स्पीड ऐड हेतिबो अरे बाबा दे आर मूविंग टुवर्ड्स इच अदर तांकर ए र बी र स्पीड ऐड हबो बिकॉज़ दे आर मूविंग टुवर्ड्स इच अदर सेम डायरेक्शन जाइतले शॉर्ट कट होता ता माने मु कहि परबी लेट्स से ए र स्पीड टाक मु ए मानु छी ए र स्पीड को ए ही मानु छी सो आउ बी र स्पीड टाक बी मानु छी ऐड काहे कहली बिकॉज़ दे आर मूविंग टुवर्ड्स इच अदर एटा हूँ ए र स्पीड बीटा हूँ बी र स्पीड दिस इज इक्वल टू टोटल स्पीड के 60/6 क्या 6 घंटा लगुच डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड 60/6 हूँ 10 10 कहीं 10 है स्टूडेंट्स
डिस्टेंस हो दिजाक भर षाठी षाठी छः घंटे तार स्पीड के डिस्टेंस बाय टाइम फाइन एटा गला प्रथम जिनस सेकेंड स्टार्ट है हार्ड ए ट्रावेल्ड विथ 2/3 ऑफ इट्स स्पीड ए रीडटा आम मानते के सरी ए मान टू थर्ड मैंने 2/3 ए एंड बी ट्रावेल्ड विथ डबल हिज स्पीड मैंने प्लस 2b ठीक कहीं 2b बीटा आम मानते बी रीड एटा मानते ए रीड बारंबार निजक रिपीट ताकि आप डाउट न हो दे वुड हैव मेट आफ्टर 5 आवर्स पांच घंटा पर डिस्टेंस होची स्टूडेंट 60 टाइम होची 5 घंटा ताले स्पीड के हम डिस्टेंस बाय टाइम दिस इज इक्वल टू 12 कहीं डिस्टेंस बाय स्पीड ठीक अच्छे डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड ये आम स्पीड को आड करते आरएचएस स्पीड सहित इक्वाल करो तो दुई दुई कैनसल कर दिखाँ ये छठी के छ आउ ये तीन अच्छी तीन हो गले दैट इम्प्लाइज मुझेपरि ए बाय थ्री अच्छी सो ए प्लस 3b इक्वाल टू 18 ठीक अच्छे सिंप्लीफाई करदे ए प्लस 3b इक्वाल टू 18 ए प्लस 3b इक्वाल टू 18 ठीक अच्छे ओके अबिका देखु सेकेंड रु फास्ट को माइनस करी सेकेंड एक्सप्रेशन रु फास्ट एक्सप्रेशन को माइनस करी माइनस पकईली माइनस कले कौन हो दिस इज 2b इक्वाल टू 8 सो b इक्वाल टू आसला 4 जदि बीटा आसला 4 ए तो कैनसल हो बीटा आसला 4 तो पचार कौन स्पीड ऑफ ए स्पीडा बीटा जदि 4 हो गला एटा केते हबो 6 हबो ताकि मिसिंग ना 10 हबो ऑप्शन एटा बी लिखा है ऑप्शन बी इज करेक्ट 6 किलोमीटर पर आवर बहुत सिंपल क्वेश्चन किसी नाला लिख दिं बहुत सिंपल क्वेश्चन स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप्स ए बी एंड सी पाइप ए एंड बी वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन फिल अ पूल इन हाफ टाइम टेकन बाय देख थ्री पुल्स ए बी एंड सी ए एंड बी वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन फिल पुल इन हाफ द टाइम टेकन बाय सी ओके ए एंड बी इज टू सी है टाइम रेशियो कौन होती लिखा टाइमटा हूँ के हाफ द टाइम टेकन बाय सी मैंने बी एटा जी टू है ये वन हम तो एफिशिएंसीटा कौन हम एफिशिएंसीटा हम 2:1 राइट ओके टाइम सहित स्टूडेंट्स आम टाइम को आड की सपरेट कर पारियानी यहाँ बुझे टाइम एंड वर्क पढ़ाई टाइम को आम आड की सपरेट कर पारियानी एफिशिएंसी सहित जहाँ काम करा पड़ो से टाइम दिखाई मैंने फास्ट एफिशिएंसी को आसिया टाइम आउ एफिशिएंसी इनवर्स जदि 1:2 अच्छी 2:1 हम ठीक ये गला नेक्स्ट पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ टाइम टेकन बाय पाइप बी ए इज टू बी है टेक्स हाफ टाइम टेकन बाय पाइप बी बी को जदि 2 नौ ये नौ 1 एटा होची रेशियो ऑफ कौन एटा होची टाइम एटा होची टाइम ताहले एफिशिएंसीटा केते हबो एफिशिएंसी रे हियो 2:1 एफिशिएंसी केते हिजबो 2:1 अबिका फास्ट आमे एफिशिएंसी को मर्ज कर दबा एठी ए प्लस बी इज टू सी अछि एठी ए इज टू बी अछि फर्स्ट रेशियो मर्ज करिया देखन दो एठी एठी ए प्लस बी इक्वल टू 2 अछि एठी ए प्लस बी होची 3 एठी अच्छी ए प्लस बी 2 एठी अच्छी ए प्लस बी 3 बट सेम हवा कथा ए प्लस बी वैल्यू तो सेम हवा कथा सेम केमती करिया एठी 3 होची एठी 2 होची सेम कौन यहाँ एलसीएम 6 ता माने एठी मल्टीप्लाई कर देबी ऑलरेडी 3 अच्छी 2 रे मल्टीप्लाई कर दे 6 हो गला एठी 2 अच्छी 3 रे मल्टीप्लाई कर दे 6 हो गला ठीक अच्छे ताहले मु कहि परिबी ए इज टू बी इज टू सी रा एफिशिएंसी केते हबो एफिशिएंसी इक्वल टू 6:2 बीटा होची 2 हला बीटा होची 2 6 केमती हला सॉरी एटा ए इज टू बी देछि ना ए इज टू बीटा होची सो एटा होची 2:2 4 हला बीटा होची 2:1 2 8 ना 6 हे गला एट देखंतु ए प्लस बी इंटु 2 ए प्लस बी माने होची 3:2 6 ठीक अछि हला एठी भी 6 होची एठी भी 3:2 6 हो जाउछ ठीक अछि आ सीटा केते हबो 3:1 होची 3 ठीक अछि 3:3 9 ठीक अछि 6 हां ठीक अछि सो एफिशिएंसी पळे आसला 4:2 3 ठीक अछि ओके क
कही ऑल टुगेदर दे टेक 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी दि पुल ऑल टुगेदर दे टेक माने ऑल टुगेदर माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल टुगेदर माने 4 + 2 = 6 + 3 = 9 × 6 hours 40 minutes 6 whole 40 minutes टाक आवर रे कले केते हबो 40/60 माने 2/3 × 2/3 हला दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पुल तल दिस इज 18 + 2 होजी 20/3 सो दिस इज 20/3 9 × 20/3 और 60 टा होची आपनकर पुल रा कैपेसिटी दिस इज द कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द पुल ठीक अछि टाइम टेकन बाय ए टू एम्प्टी दिस एटा होची कैपेसिटी ऑफ पुल ए रा एफिशिएंसी केते 4 हला सो ए केतसम लागिवो कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी ऑफ ए होची 4 दिस इज 15 दिस इज केते 15 ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक अछि दिस इज अ गुड क्वेश्चन हला नोट इट डाउन नेक्स्ट मो क्वेश्चन मूव करिया तंटी सुखी जाओ जी पूरा हाँ देख कौट गला हमें हाँ 34 देख ये सब मुझे सांगे कर दूसरी आपन को पीडीएफ दिया होची हला ये जो पीडीएफ ना ये देखो ये पीडीएफ तो आपन को मुझे देवी हला एटा थरे थरे निजे भी सॉल्व करिवे सब क्वेश्चन एटा तो आपन को इजी लागु थो मु करू छी बोली निजे कले बुझी परिवे हला निजे कले आपन कांसेप्ट सिखिबे आउ टिके हला मु करू छी संगे बहुत सहज लागु थो हां बट पीडीएफ रो थरे निजे अटेम्प्ट देबे हां नॉन लाइन लर्निंग किछ हबनी स्टूडेंट्स मु सीरियसली कहू छी तोरे मु करू छी एटा आपन देखु छन क्लास क्लास पर थरे निजे भी अटेम्प्ट देबे हला नॉन लाइन किछ लाभ हबनी हमती देखो एक्स इक्वल टू एतिकी एक्स वाई एतिकी ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर ये तो आपको क्लीयरली दिशुचे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आसलानी और एक्स वाई टर्म आसलानी आम फैमिलियर क्या सहित एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जदि स्क्वायर टर्म अच्छी दुईटा तो मैंने आम ये फैमिलियर 2xy सहित तो सही जिनस कर देखो ये कौन लिखिपरि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy + xy 2xy + xy हूँ 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy - xy प्लस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे एटा कौन लिखी कि स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मु कौन लिखिपरि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बंचीगला के प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई फाइन एतिक आसला अबिका एक्स आउ वाई मिलगला जदि स्क्वायर बाहर करद एक्स एक्स आउ वाई मिलगला जदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर करद एक्स वाई मिलगला जदि एक्स माइनस वाई स्क्वायर ही बाहर करद एक्स वाई तो अलरेडी दिया है 1 एक्स वाई अलरेडी दिया है 1 सो एक्स बेसिकली यही एक्सप्रेशन टा के बाहर करा जदि एक्स रैल्यू मिलगला वाई रैल्यू मिलगला तो ए स्क्वायर टा बाहर करदे ए स्क्वायर बाहर करदे एक्स वाई तो अलरेडी 1 दिया है फाइन सो अबिका आम टार्गेट हवा दरकार वाई रैल्यू फाइंड करा वाई रैल्यू फाइंड करापी आमको यही पार्टा हेल्प कर स्टूडेंट्स मार्क करते एक्स वाई इक्वाल टू 1 तो मुझे कौन कहपरि वाई इक्वाल टू 1/x वाई इक्वाल टू 1/x बहुत प्रॉपर्ली मार्क करूँ एक्स रैल्यू हूँ स्टूडेंट्स यहाँ ठीक अच्छे तेल 1/x के 1/3 + 2√2 ठीक अच्छे अबिका कौन या मत रैशनलाइज करा पड़ो तो मैंने याद कंजुगेट मल्टीप्लाई करी याद कौन यार कंजुगेट मल्टीप्लाई करी जदि कंजुगेट मल्टीप्लाई करी तले मल्टीप्लाई करी 3 − 2√2 उपरे 3 − 2√2 तो मैंने यहाँ हो कैसे दिस इज देखो 3 + 2√2 या रैशनलाइज करने कंजुगेट मल्टीप्लाई करी या कंजुगेट कौन 3 − 2√2 3 + 2√2 × 3 − 2√2 a + b × a − b² - b² 1 हो गला खाली बचीज कौन 3 − 2√2 अरे बुझुच ना नहीं स्टूडेंट्स बुझुच ना क्लियर होती वाई रैल्यू कैसे पड़े आसला यहाँ जदि यहाँ वाई रैल्यू पड़े आसला तो मुझे जिनस गोटे कहतु तेल स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई टाइम कौन कहीपरि वाई रैल्यू हूँ 3 − 2√2 एक्स रैल्यू हूँ 3 + 2√2 तेल एक्स प्लस वाई कौन +2√2 − 2√2 कैनसल हो बचीज कौन 6
एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यदि माइनस करी तेल कौन हो स्टूडेंट्स तीन आन तो कैनसल हो माइनसटा प्लस हो रे वा करूँ ये एक्स लिखु खातारे पूरा एक्स माइनस वाई यहाँ जो माइनस है माइनस थ्री हे प्लस टू रुट हे आटेटिवली शुणु जहाँ कह प्लस हो नहीं यहाँ जदि प्लस हो गला टू रुट टू प्लस टू रुट टू कौन हो फोर रुट टू हो नहीं दिस इज इक्वाल टू फोर रुट क्लीयर हो क्लीयर हो खातार लिखिना करूँ ताल यही भैल्यू गुड़ा मुझे सब्स्यूट करी दिस इज इक्वाल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाईटा के सिक्स ता स्क्वायरटा के थर्टी सिक्स एक्स वाईटा के वन तमें प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वाईटा के फोर रुट टू स्क्वायरटा होती केते सिक्सटीन रुट टू थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू माइनस वन हुई इज थर्टी सेवेन बाय थर्टी वन ऑप्शन ए इज करेक्ट फाइन फाइन टेक ए स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट नहीं जानू साइड स्क्रीन रू देख नेक्स्ट थर्टी फाइव एटा तो आप लिखिले ना एटा तो आप स्क्रीनशॉट नेली एटा मु ये चेंज कर देली हाँ थर्टी फाइव थर्टी फोर आप स्क्रीनशॉट नहीं साइड ही स्क्रीन रू ठीक ओके नेक्स्ट थर्टी फाइव यहाँ को शॉर्टकट रे करी शॉर्टकट रे शॉर्टकट ऑलरेडी आप पढ़े मु कौन जदि एक्स इक्वल टू टू एन ए बी बाय ए प्लस बी अच्छी देन शॉर्टकट ऑफ सी एन डी माने कंपोनेंट एंड डिविडेंड एटा मैं ऑलरेडी आपको पढ़े अलजेब्रा देखे कौटी पढ़े है वॉइस ठीक अच्छे हाँ तेल जदि एक्स इक्वल टू ये तेल एक्स प्लस एन ए बाय एक्स माइनस एन ए प्लस एक्स प्लस एन बी बाय एक्स माइनस एन बी इक्वल टू टू यहाँ सब बड़े इक्वल टू टू हुए यहाँ हूँ शॉर्टकट यहाँ ऑलरेडी मुझे पढ़े कौटी पढ़े आपण यूट्यूब सर्च करेंगे शिवानंद पटनायक अलजेब्रा है मोर अलजेब्रा क्लास गोटे मुझे सर्च करेंगे यहीटा है मैथ फाउंडेशन बैच आपको मिल जाव चेक कर तुम पढ़े कि ना गोटे सेकंड एडवर्टाइजमेंट गुड़ा सरी जाओ ता भितर आम देखीद एड देखु तो यहाँ जब टू होती आंसर डायरेक्टली टू होमती हूँ डिटेल डिटेल प्रोसेस भी चेक करा फास्ट शॉर्टकट जान था एसबु क्वेश्चन में शॉर्टकट आम कर पार बिना सॉल्व करना शॉर्टकट कंपोनेंट डिविडेंड रो शॉर्टकट हो डायरेक्टली आप फॉर्म रो क्वेश्चन देखला मैंने फॉर्म रो डायरेक्टली आंसर टू मार्क करेंगे है कमी हूँ मुझे कहबी बट फास्ट देखे दिए आपको पढ़े कि नहीं छुआ कह सर सार पढ़े ना फास्ट देखेदेवी ना मुझे आज भाई पढ़े कि नहीं देखे एसेनसीयल गोटे सेकेंड देखो क्लास में पढ़े कि नहीं सब जिनस मुझे एमती को देखते ये सी एन डी कंपोनेंट डिविडेंड अलजेब्रा क्लास से पढ़ाई नहीं चेक करूँ है एग्जांपल देना पढ़ेती मुझे एग्जांपल देना पढ़ेती देखो दिशा नहीं ठीक तो पढ़ी मुझे एमती को जिनस ना जो पढ़ी नी छाड़ ठीक अच्छे स्टार्ट कर देखते ये केमी हम यहाँ टे चेक करद कमी आप शॉर्टकट कौट आस पा कहे देखो टू एन ए बी सो ये देखो टू एन ए बी बाय ए प्लस बी ये ए बी अच्छी तले ए आउ बी अच्छे ये एटा कौन रुट थ्री बीटा हूँ रुट टू ताल मुझे एक्स इक्वाल टू टू ये एनटा कौन पिला पचार एन कौन अच्छे ये एनटा हूँ रुट फोर है ए कौन ए हूँ आपणकर रुट टू और रुट थ्री कहतु रुट टू आउ गोटे हूँ रुट थ्री है एटा होची एन टू एन ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी ठीक अच्छे स्टूडेंट्स ताहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्स प्लस एन ए रुट फोर इंटु रुट टू होची रुट एट डिवाइड बाय एक्स माइनस रुट एट प्लस एक्स प्लस एन बी रुट टू इंटु रुट थ्री होची रुट ट्वेल्व डिवाइड बाय एक्स माइनस रुट ट्वेल्व दिस इज इक्वाल टू टू फाइन डायरेक्टली आंसर पड़े आस टू
क्लीयर हो फर्मुला सर्टकट मन थी सी गोटे सेकेंड में देखु देखु आंसर टू मार्क करदेव ठीक अच्छे। अबिका आम बुझा डिटेल मेथड सर्टकट आपको हूँ स्टूडेंट्स क्लीयर सर्टकट क्लीयर हो अबिका आम यार डिटेल्ड मेथड ही बुझे है सर्टकट्र ना गोटे स्क्रीनशॉट भी आपड़ नहीं जाए साइड हो टे स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ठीक ओके। अबिका डिटेल मेथड ही बुझे एटा इरेज कर दूच देखो डिटेल मेथड कौन एलाबरेट अप्रोच बुझा नेक्स्ट को मूव करिया देखो ये आमको पचार एक्स प्लस रुट एट बाय एक्स माइनस रुट एट है अबिका चिंता करूँ या भितर ये एक्सप्रेशन टा केमी आसो आपको स्टूडेंट्स देखिए एक्स इक्वाल टू टू रुट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय रुट थ्री प्लस रुट टू ठीक अच्छे। अबिका यही रुट ट्वेंटी फोर को कौन लिखिपर जेहेतु मत रुट एट एक्सट्राक्ट कर ब्रेक करदेवि टू इंटु रुट एट इंटु रुट थ्री डिवाइड बाय रुट थ्री इंटु रुट टू एगुटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर्ली मार्क करूँ एटा आसला। अबिका मत यार्टा दरकार तो मुझे कौन करी दैट इम्प्लाइज या मार्क करूँ ठीक अच्छे। मुझे कहीपर एक्स बाय रुट एट एक्स बाय रुट एट इक्वाल टू देख दिस इक्वाल टू दिस है एक्स बाय रुट एट टाक कौन कहीपर एटा को एट लिखि दिंतु यही पार्टा को एट लिखि दिंतु ठीक अच्छे। एक्स बाय रुट एट टाक कौन कहीपर दिस इज टू रुट थ्री डिवाइड बाय रुट थ्री प्लस रुट टू एटा आसला मत एक्स बाय रुट एट दरकार नहीं मत एक्स प्लस रुट एट बाय एक्स माइनस रुट एट दरकार आम जानते जदि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी थाए देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट टू डिविडेंड ऑफ आम ये पढ़ी कौ टॉपिक हूँ रेशियोर अकॉर्डिंग टू सी एंड डी कंपोनेंट डिविडेंड आम कहीपर ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी एटा आम पढ़ी कंपोनेंट टू डिविडेंड स्कूल टाइम पढ़ी आप अबिका यही जिनसा जब मुझे ये अप्लाई करी तरह कौन हो दैट इम्प्लाइज आई कैन से एक्स प्लस रुट एट डिवाइड बाय एक्स माइनस रुट एट इक्वाल टू एट देखु एटा हूँ सी एटा हूँ डी कंपेयर करूँ दिस प्लस दिस माने टू रुट थ्री प्लस रुट थ्री प्लस रुट टू खातार लिखु तेने मुझेपर टू रुट थ्री प्लस रुट थ्री प्लस रुट टू डिवाइड बाय ए माइनस बी बी माइनस ए नुह ए माइनस बी तेने दिस टू रुट थ्री माइनस रुट थ्री माइनस रुट टू ठीक हो टिके सिंप्लीफाई करदे टू रुट थ्री प्लस रुट थ्री कौन कहीपर मुझे दिस इज थ्री रुट थ्री एटा होते एटा को कौन लिखिपर थ्री रुट थ्री प्लस रुट टू एटा ऊपर रहा तले कौन रू रुट थ्री माइनस रुट थ्री हूँ रुट थ्री तले मुझे कौन कहीपर दिस इज रुट थ्री माइनस रुट टू क्लीयर हो क्लीयर हो सो आप बुझे दिस पार्ट यही पार्टा हमें बुझे ये पार्ट जाए क्वेश्चन पलै आसला ठीक अच्छे। अबिका गोटे पार्ट तो पलै आसला यही पार्टा मैं बाहरी गला अबिका नेक्स्ट पार्ट दरकार आमको नेक्स्ट पार्ट दरकार कौन एक्स प्लस रुट ट्वेल्व बाय एक्स माइनस रुट ट्वेल्व सर्टकट डायरेक्ट आंसर आसो बट बुझ जा कनसेप्ट बुझ जा देखो एक्स इक्वाल टू टू रुट ट्वेंटी फोर अच्छी रुट ट्वेंटी फोर टाक कौन लिखिपर टू रुट ट्वेंटी फोर को कौन लिखिपर रुट ट्वेल्व इंटु रुट टू रुट ट्वेल्व इंटु रुट टू तो लिखिपर अरे रुट ट्वेंटी फोर टाक रुट ट्वेल्व रुट टू लिखिपर ना डिवाइड बाय रुट थ्री प्लस रुट टू फाइन स्टूडेंट्स दैट इम्प्लाइज ये रुट ट्वेल्व टाक तौक नहीं आसवि तो एक्स बाय रुट एक्स बाय रुट ट्वेल्व टा कौन हो टू रुट टू बाय रुट थ्री प्लस रुट टू फाइन फाइन ठीक अच्छे बुझे किसी ना सिंपल रीअरेंज करोठू रीअरेंज कर दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट इम्प्लाइज व्हाट कैन आई से अबिका देखो ए प्लस ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी ये मुझे अप्लाई करी कंपोनेंट डिविडेंड सो एक्स प्लस रुट ट्वेल्व डिवाइड बाय एक्स माइनस रुट ट्वेल्व इक्वाल टू कौन लिखिपर स्टूडेंट्स दिस इज दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस माने टू रुट टू
प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइड बाय टू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू। फाइन फाइन ठीक अच्छे। टू रूट टू प्लस रूट टू कौन लिख पारि थ्री रूट टू, थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री। अरे टू रूट टू प्लस रूट टू कौन थ्री रूट टू ना, थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री। दिस इज थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री है, थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री। आ ते कौन हो टू रूट टू माइनस रूट टू हूँ कौन खाली रूट टू बची, रूट टू माइनस रूट थ्री बची, तले बच रूट टू माइनस रूट थ्री। तो रूट टू माइनस रूट थ्री ये तो क्लीयर हो मार्क करूँ है। सो एक्स ए पार्टा पलि आसला आर पार्टा पलि आसला ठीक अच्छे। अबिका ये दुटा को आड कराई ठीक अच्छे, आड कराई आड करना चेक करदे देखो तो कमी चेक करिया। एठी रूट थ्री माइनस रूट टू अच्छे ओके। गोटे काम करिया कौन करिया देख लिखुच क्वेश्चन आमको कही दिस पार्ट ना या तले करदे स्टूडेंट्स ये करदेवि ये करदे ये देखु इक्वाल टू ना ये करदे बेस्ट बेस्ट हम आम ये करा देखो ये लिखुच मैं एक्स प्लस रूट एट डिवाइड बाय एक्स माइनस रूट एट प्लस एक्स प्लस रूट ट्वेल्व बाय एक्स माइनस रूट ट्वेल्व। दिस इज इक्वल टू सिंपल दुटा को आड करदे है मु कौन कही पारि दिस इज सिंपल आड करदे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ताले थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू बाय रूट थ्री माइनस माइनस रूट टू। तापर यही पार्टा मुझ प्लस लिखला बेलू पार्टा प्लस न करना यहाँ को माइनस कर दूसरी है ना प्लस लिख प्लस लिखु ये देखो ये टी प्रपर्टी आटेनसन देवे मुझे कौन करुँ देख प्लस लिखिली ये हैपर ये गोटे माइनस नहीं आसवि है माइनस कहीं देखो रूट टू माइनस रूट थ्री अच्छी रूट थ्री माइनस रूट टू अच्छी जब माइनस कमन नहीं जब माइनस गोटे कमन नहीं जी तो रूट थ्री माइनस रूट टू हो ठीक अच्छे। गोटे माइनस मुझ कमन नहीं आसली जब माइनस कमन नहीं आसली तो माइनस हो गला ये माइनस हो गला माइनस कौन है रूट टू प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू ठीक अच्छे। एटा पलि आसला ठीक अच्छे एति बात तो पलि आसला। अबिका देखो तो सिंपल एलसीएम नहीं जानतु रूट थ्री माइनस रूट टू है ऊपर कौन बचु देखो ये माइनस आते भितर को जीव ये प्लस अच्छे माइनस हो प्लस अच्छे माइनस हो दिस माइनस माइनस रूट थ्री है ब्राकेट तो खुली जीव माइनसटा भितर पड़े गले ठीक अच्छे। तेल कौन हो देख थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री हूँ टू रूट थ्री है माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू ताने माइनस टू रूट टू ठीक अच्छे। अरे किसी करनी बटा ब्राकेट ब्राकेटा को माइनस कर दिंतु ब्राकेटा हटे दिं ये ब्राकेटा हटिगले ये प्लस था माइनस हो गला थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री हूँ टू रूट थ्री है माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू हूँ माइनस टू रूट टू ठीक अच्छे। अबिका ये मुझे कौन कही पारि जदि मु टू कमन आनवी तेल रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। सो देखो रूट थ्री माइनस रूट टू सेम अच्छी ऊपर तले कैनसल करदे बचला कौन बचला टू बचला टू एत डिटेल कौ टीचर बुझेबानी है भल लेवल क्वेश्चन आपको सर्टकट कहुता सर्टकट जब आप बुझे भल कथा ना एमती करा पड़ो परीक्षा तो एमती करेंगे आपको सर्टकट भले पढ़े मुझे सर्टकट मन रखे एक्स इक्वाल टू टू एन ए देन एक्स प्लस एन ए एक्स माइनस एन ए डिवाइड प्लस एक्स प्लस एन बा एक्स माइनस एन इक्वाल टू टू है डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे टू एत जिन करना टू आसो बट एमती परीक्षा रेकमेंडेड नुह नोट डाउन स्टूडेंट्स नोट कर दिखाँ नेक्स्ट और टेक ए स्क्रीनशॉट मुझे साइड ही कर दिंतु नोट कर दिंतु। फाइन
फाइन देखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बॉर्डर था देखो फोर फोर टू दि फोर क्यूब रूट मैंने टू दि पावर वन बाय थ्री टाइप क्वेश्चन गोटे करना आई टाइप क्वेश्चन आगे कराई था ठीक अच्छे स्टिल टू टू दि पावर वन बाय टू थ्री टू दि पावर वन बाय सिक्स फाइव टू दि पावर वन बाय फोर ठीक अच्छे ये डिनोमिनेटर मार्क करूँ मैंने एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर आपको जितने ये टाइप क्वेश्चन गोटे करना आई आपको कही आपणकर एक्सपोनेंट सेम करदे जार बेस अधिका से नंबर बड़ ठीक अच्छे ओके तीन दुई छ बार एलसीएम कौन तीन आउ दुई छ छ अच्छी ये चार मैंने बार हूँ एलसीएम मैंने एलसीएम कौन है एलसीएम हूँ बार जदि एलसीएम बार है से फोर टू दि पावर वन बाय थ्री अच्छे है एक्सपोनेंटा को मुझ बार बनेबी एटा को थ्रीटा को बार बनेबी केमती करी फोर टू दि पावर जदि तीन टा को बार बनेबी ताले तले चार मल्टीप्लाय करी ऊपर भी चार मल्टीप्लाय कर सो फोर बाय ट्वेल्व कराया पड़ो ठीक सो दिस इज इक्वल टू फोर टू दि पावर फोर इंटु वन बाय ट्वेल्व ठीक अच्छे अबिका पलि आसला बाहर बार अबिका फोर टू दि पावर फोरटा कौन फोर टू दि पावर फोरटा हूँ आम कही पार फोर इंटु फोर सिक्सटी फोर सिक्सटीन सिक्सटीन सिक्सटी फोर टू फिफ्टी सिक्स सो टू फिफ्टी सिक्स टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व दिस इज टू फिफ्टी सिक्स टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व क्लीयर है किसी ना बुझे रहा सिंपल जिनस टू टू दि पावर वन बाय टू दिस इज जदि मुझ तले बार बनेबी मैंने दुईटा को बार बनेबी मैंने छ मल्टीप्लाय करी तेल उपरे के हम टू टू दि पावर सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक अच्छे अबिका टू भितर को पकेबी सिक्स बाहर रखी वन बाय ट्वेल्व ठीक अच्छे टू टू दि पावर सिक्सटा के करूँ दुई चार आठ षोह बतीस सिक्सटी फोर यहाँ हो सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व क्लीयर हो थ्री टू दि पावर वन बाय सिक्स यटा मुझ कौन करी छटा को बार बनेबी तेल दुई मल्टीप्लाय कली सो थ्री टू दि पावर दुई बाय बार दिस इज थ्री स्क्वायर टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व थ्री स्क्वायरटा मुझ कौन करी थ्री स्क्वायरटा कौन लिखिपर नाइन है नाइन टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व तापर फाइव टू दि पावर वन बाय फोर एटा कौन हो पार चारिटा को बार बनेबी मैंने तले इंटु करी तीन तेल उपर भी तीन मल्टीप्लाय कराया पड़ो सो फाइव टू दि पावर थ्री बाय ट्वेल्व दिस इज फाइव क्यूब टू दि पावर वन बाय ट्वेल्व फाइव क्यूबा के पाँच इंटु पाँच हूँ आप पचीस इंटु शहे पचीस तमें यहाँ हूँ शहे पचीस ठीक क्लीयर हूँ सबू पावर सेम हो गला सब पावर सेम हो गला अबिका आम जार बेस अधिका से नंबर बड़ कहार बेस सब बड़ अच्छी डिसेंडिंग कही मैंने बड़ स्थान यहाँ सबुठ बड़ अच्छे तो मैंने दिस इज द बिगेस्ट फोर टू दि पावर वन बाय थ्री मैंने फोर र क्यूब रूट कौटी अच्छी दुईटा जगह अच्छी तापर नेक्स्ट कौटा आसो नेक्स्ट आसो यहाँ फाइव टू दि पावर एटी पाँच अच्छे तुम यहाँ हम आंसर एट तो तीन आस जाऊँ तुम यहाँ देखो या पर तीन आसगला तो यहाँ आंसर हबार नहीं यहाँ हम ठीक अच्छे तापर आस दुई हाँ दुई सिक्सटी फोर तापर न ठीक अच्छे यहाँ हम आंसर नेक्स्ट रॉन्ग नंबर इन द सिक्वेन्स दिस ओके एटा तो सिंपल क्वेश्चन पाँच दिस इज आठ लिखी दूचे आठ तेर एक पाँच आठ तापर बत्तीस एगार एगार मैंने ये हवा कथा एगार तीन चौदह फर्टी सिक्स हवा कथा बट ये अच्छी के फर्टी सेवेन है अरे तीन तीन बढ़ुच्च पाँच एटी गैप हूँ आठ एटी एगार तो ये चौदह हवा कथा बट अच्छी फर्टी सेवेन यहाँ हूँ रॉन्ग टर्म फ्रेश फ्रूट कंटेंट्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर तो ये टाइप क्वेश्चन कौन ये टाइप क्वेश्चन रे पल्प को सेम करेंगे पल्प पल्प को सेम करिए पल्प माने कौन वाटर टा एवापोरेट कर शुणु कथा प्रॉपर्ली ऑलरेडी पढ़े परसेंटेज क्लासेस स्टिल आउे कह पाटा एवापोरेट कर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्रे कौन ड्राई फ्रूट्रे सुखाई जाए मैंने पा एवापोरेट कर बट जो पल्प पार्टा थी पल्पटा
उड़ीजा कि उड़बानी तो मैंने पल्पटा सेम अच्छे है देखो फ्रेश फ्रुट कंटेन्स 68% वाटर तो फ्रेश फ्रुट रे पानी के जो ये पल्प के मैंने ड्राए पार्टा के पानी पर जोड़ा बचे सीटा हो ड्राए मैंने जो फल पार्टा है फलटा के 32% इन द फ्रेश फ्रुट मैंने पल्प कथा मुझे ये तो पानी थी ड्राए फ्रुट देख इक्वल टू ड्राए फ्रुट रे के ड्राए फ्रुट 20% वाटर अच्छे तेल पल्प के पल्प के ड्राए फ्रुट रे 80% अच्छी तम मैंने दिस इज 80% ऑफ ड्राए कौन इक्वल कल बोले यार फ्रेश फ्रुट र पल्प पार्टा और ड्राए फ्रुट र पल्प पार्टा हूँ सेम पल्प पार्टा मैंने जो खाइया पार्टा जो आप खाइबे पानी पार्टा एवापोरेट कर पल्पटा एवापोरेट कर बुझे आप तो दैट इम्प्लाइज 16 कैनसल करूँ 16 काटले दिस इज 2 दिस इज 5 यही भाया क्वेश्चन सब पल्प पार्टा सेम करेंगे क्या पानी एवापोरेट कर जो पार्टा बचला र पार्टा से सब इक्वाल करदे यही टाइप क्वेश्चन में सो दिस इज 2F इक्वल टू 5D दैट इम्प्लाइज F बाय D इक्वल टू 5/2 है सो हाउ मेनी हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी फ्रेश फ्रूट 100 तेने 5 करेस्पॉन्ड करुच्ची 100 को है दिस इज 20 टाइम्स तो मैंने दुईटा के इंटू करूँ 20 40 हे ऑप्शन बी एटा ये कौन लिखा है बी हवाटा टाइपिस्ट भूल कर 40 हम स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन क्लियर क्लियर हो जी नेक्स्ट इन अ टाउन ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिलीज हाज ए काउ ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिलीज हाज हम ना ये हाव हो हाव ए काउ हाव हो आप कह तो हाव हो ना हाज हम आम तो इंग्लिश पढ़ू ना मैथ पढ़ुन देख इन अ टाउन ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिलीज हाज ए काउ ईच ऑफ 30% ऑफ फैमिलीज हाज ए बफालो ये कहीं हाज हम ना हाव फैमिलीज प्लुराल पहले सिंगुलर से ना कौन आपण मैंने कहे कमेंट रे फैमिलीज हाव हम ना हाज हम 30% फैमिलीज हाज ए बफालो एंड ईच ऑफ 15% फैमिलीज हाज बोथ काउ एंड बफालो इन ऑल ऑल देयर इन ऑल ये कमा पक गया ये कमा पड़ जाए इन ऑल देयर आर 960 फैमिलीज इन द टाउन हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ और बफालो बट क्लीयरली आपको दिशु क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम है गोटे हूँ आप काउ अच्छी है गोटे अच्छी काउ आ गोटे अच्छी बफालो ठीक अच्छे क्लीयर क्वेश्चन दिशु 60% जिते तो भेन डायग्राम फॉर्म करेंगे डीआईर क्लास नंबर 1 पढ़ी सब कॉमन पार्टा को आइडेंटिफाई करेंगे 15% मैंने 18 पक 15% ठीक अच्छे 15% टोटालटा मिसिकिना के देखूँ यहाँ हूँ 15% है कह 60% फैमिली हाज ए काउ तो यही टोटाल मिसिकिना हूँ 60 यही टोटाल सर्कलटा हूँ काउर 60 यही 15 पड़ेगा तो बाहर के 45 यही थी 45 राइट यही थी 45 30% फैमिलीज हाज बफालो 15 तो यही पड़ेगा टोटालटा हूँ 30 तमें यही रही 15 कंडीशन सैटिस्फाई होगा काउर देते काउरटा हूँ 60% 60% आम पकईदे बफालो देती 30% 30% पकईदे ए सर्कलटा हूँ बफालो ए सर्कलटा हूँ काउ देख सर्कल 60 अच्छी ये भी 30 अच्छी सैटिस्फाई होगा तो हेल्ला टोटाल हूँ क्या देखो दिस इज 60 प्लस 15 हूँ 75% तमें सर्कल भितर टोटाल अच्छा के 75% डू नॉट हैव ए काउ बफालो डू नॉट हैव ता माने सर्कल बाहर के बचला सर्कल बाहर जो बचला सर्कल भितर अच्छे 45, 15, 60 + 15, 75 बाहर अच्छे 25% जोटा हूँ 1/4 कहार टोटल फैमिली के 960 ता माने यार 960 ह्विच इज 240 ऑप्शन बी एटा बी अच्छी ए टाइप इज भूल करुच्छी एटा ऑप्शन बी एटा बारंबार ए लिखी दीजिए ठीक ओराल क्वेश्चन गुटा स्टूडेंट्स कतटा क्वेश्चन बचला आप पांचटा क्वेश्चन आम क्लास ओवर कर ठीक अच्छे करटेमेंट करे आटेमेंट कर देख बस 40, 41
ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି, 5ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40ଟା ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଭଏସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ସନ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବାଏ ସମ୍ ଚେୟାର୍ସ ହୁଜ୍ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ 200 ଇଚ୍, ସେଲର୍ ଅଫର୍ସ ହିମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟର ବାଇଙ୍ଗ 12 ଚେୟାର୍ସ ପର୍ସନ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 10 ଚେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ 2 ଚେୟାର୍ସ ଆଟ୍ 80 ଇଚ୍, ତାମାନେ 160। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍? ଓକେ, କ'ଣ କହିଲେ, ସମ୍ ଚେୟାର୍ସ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି 200 ଇଚ୍। ଓକେ, ସୋ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟର ବାଇଙ୍ଗ 12 ଚେୟାର୍ସ। ଓକେ, 12ଟା ଚେୟାର୍, ଚେୟାର୍ର କଷ୍ଟ କେତେ? 12 ଇଣ୍ଟୁ 200 ହେଉଛି 2400, ବଟ୍ କେତେବେଳେ? ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଲେ 2400 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବିକା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରପର୍ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2400 ଯେଉଁ ହେଲା, 2400ଟା ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବିକା ୱିଥ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ୱିଥ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ୱିଥ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇକିନା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ପର୍ସନ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 10 ଚେୟାର୍ସ, 10ଟା ଚେୟାର୍ର କଷ୍ଟ, 10ଟା ଚେୟାର୍ର କଷ୍ଟ କେତେ? 10 ଇଣ୍ଟୁ 200 ହେଉଛି 2000 ପ୍ଲସ୍ ରେଷ୍ଟ 2 ଚେୟାର୍ସ ଆଟ୍ 80 ଇଚ୍, ହେଲା 80 ଇଚ୍ ମାନେ 160, ଟୋଟାଲ୍ 2160। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା କେତେ? ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା କେତେ? ଦିସ୍ ମାଇନସ୍ ଦିସ୍ ହେଉଛି କେତେ? 240 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ମାଇନସ୍ ଦିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। 200 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା କେତେ? 240 ପଚାରିଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା ଏତିକି, ତାହେଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 240 ଅନ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ଉପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା 2400, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁ 100, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା କେତେ? 10% ଅପସନ୍ ଡି। ଠିକ୍, ନେକ୍ସଟ, ବାଏ ସେଲିଂ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଫର୍ 21 ଅ ପର୍ସନ୍ ଲସ୍ଟ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଓକେ, ଲେଟ୍ ସେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ସିପି ହିଁ ଲେଖୁଛି, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସ ନ ମାନେ ନା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସିପି ହିଁ ଲେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ କହିଛି? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଲସ୍ଟା କେମିତି ହୁଏ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଅଛି? 21 ବାଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍। ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିପି ସ୍କୋୟାର୍, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ସିପି ସ୍କୋୟାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି ମାଇନସ୍ 21 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ସିପି ସ୍କୋୟାର୍ 100 ସିପି ଟାଇପ୍ର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 100 ସିପି ପ୍ଲସ୍ 2100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଇଜ୍ଣ୍ଟ ଇଟ୍? ଖାଲି ରିଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଲିଜେସ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଅବିକା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଆପଣ ଏଠି ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଏମିତି ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ସଲ୍ଭ, କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମେଥଡ୍, ଯେଉଁଠି ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଡି ବାଏ 2a, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁଜିଂ ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍, ଆମେ ଏଠି ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବେସିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ର? ଯଦି କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବା କଥା ଗୁଡ଼ା। ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଆସୁନି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଯେ ସଲ୍ଭ କରି ଜାଣିନି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଟର୍ମଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଏମିତି ଦରକାର ଯାହାର ସମ୍ଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 100 ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ହେଉଛି 2100। ସମ୍ଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 100, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 2100। କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି କ'ଣ? ମାଇନସ୍ 70 ଆଉ ମାଇନସ୍ 30, ୟାଙ୍କ ସମ୍ଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 100 ଆଉ ୟାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ହେଉଛି 2100। ତାହେଲେ ସିପିଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ସିପିଟା କ'ଣ ହୁଏ? ସିପିଟା ଆମର ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ସାଇନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ତ 70 ହୋଇପାରିବ ଅର୍ 30 ହୋଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମାଇନସ୍ 30 ମାଇନସ୍ 70,
तापर ता साइन टाकू चेंज करया पड़े क्लियर होची 42 मार्क प्राइस ऑफ रेडियो होची 480 शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट एति की गेन एति की नो डिस्काउंट इज अलाउड यदि नो डिस्काउंट अलाउ हेतिवो ताले यदि डिस्काउंट अलाउ हेने तो ताले मार्क प्राइस ता सेलिंग प्राइस यदि डिस्काउंट अलाउ होबनी कोन डायरेक्टली जोटा मार्क प्राइस ता सेलिंग प्राइस हि जीवो ठीक है जे डिस्काउंट हम अलाउ करियन ताले हिज गेन परसेंट वुड बी ओके बहुत सिंपल हमें जानी चंती वुड बेसिक फार्मूला आपन को कहितली एमपी बहुत वेरे क्वेश्चन करियो हो ए क्वेश्चन बहुत वेरे करियो हो एटा तो ओवरऑल क्वेश्चन एमपी बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बहुत डिटेल रे आबर डिस्कशन करा है जी प्रॉफिट लॉस क्लास रे हला सो दिस इज इक्वल टू कोन कहि परबी दैट इंप्लाइज एमपी बाय सीपी आई कैन से प्रॉफिट परसेंट केते अछि गेन परसेंट 8% माने दिस इज 108 बाय डिस्काउंट परसेंट केते 10% माने होचि 90 हला 18 रे काटले दिस इज 6/5 ठीक अछि अबिका कहि छि इफ नो डिस्काउंट अलाउड यदि डिस्काउंट अलाउड देखो 480 रो किछि यूज नहीं 480 को हमको यूज करे दरकार नहीं आपण चाहिले यूज करि परिबे अननेसेसरी कैलकुलेशन बढे वडा काहे कि ना जेहेतु ऑप्शन चेक करंतु आपण को परसेंटेज पचार छि मु आपण को बहुत थरा कहि छि परसेंटेज और रेशियो सुनंतु कथा को प्रॉपर्ली परसेंटेज और रेशियो होची कंपैरिजन ता पे एक्चुअल नंबर दरकार न थाए रेशियो रो काम होई जीवो 480 आपण चाहिले यूज करि परिबे यदि आपण को इच्छा अछि कि नहीं मु आउटिया समय नष्ट करबी ताले यूज करि परिबे बट हमको मो पाखे समय नहीं तो मते समय नष्ट करियार नहीं हैला आपण 480 को यूज कर परिबे ओके देखंथ जदि नो डिस्काउंट स्टूडेंट्स अलाउ हेतांदा जदि डिस्काउंट अलाउ हेन थांदा ताले कोन जोटा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हे जीवो डिस्काउंट अलाउ होतला बोलसना मार्क प्राइस कंसीडर करा होतला जदि डिस्काउंट नहीं ताले मार्क प्राइस ता ही सेलिंग प्राइस हे जीवो ताले मु कहि परिबी एमपी बाय सीपी रेशियो जोटा थिला जदि डिस्काउंट अलाउ न होबो एज पर द क्वेश्चन ताले एमपी ता एसपी हे जीवो दिस इज जहा रेशियो थिला 6/5 ताहले प्रॉफिट केते हिची 5-6 त माने एक रा प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस व्हिच इज 20% फाइन ठीक एवरेज ऑफ टू क्लास ए एंड बी होची 74 एवरेज ऑफ ए होची 77.5 एंड दैट ऑफ बी होची 70 हला एठी लिखिया ए एठ लिखिया बी ए रो केते होची बी रो केते होची 70 हला सब एवरेज ही देची आ एवरेज ऑफ ए एंड बी होची 74 दिस इज गलानेटा कोन लागिवो एलिगेशन ठीक ठीक भाबिछन आपण दिस इज 3.5 एठी होची केते 4 सो दिस इज 35:40 5 जे काटले 7:8 एटा कहा रेशियो आसला बी इज टू ए हला पचार क्लास ए टू क्लास बी है क्लास ए टू मैंने प्रथम ए रही बी रही मैंने मुझे लिखी एटी ए इज टू बी कौन देखो ए रैल्यू के 8 त मैंने ये फास्ट ए रैल्यू के 8 त मैंने ये रहा 8 बी रैल्यू के 7 तेल ये रहा 7 तेल रिशियो के 8:7 ऑप्शन सी फाइन फाइन स्टूडेंट्स चेक नेक्स्ट SP of 10 orange equal to CP of 13 orange. So 10 ra SP equal to cost price 13 mane 13 CP. Eta kon achi? Eta to mazak kara hoji apan se to. Nai. Ette jinsa padhla par jodi ebhla question asibo tale kon? Apan muhe muhe kahibe oda. This is 13/10 tale 3 ra profit on the base of 10 which is 30%. अरे 3 रा प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ 10 कॉस्ट प्राइस इनटू 100 राइट 30% डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एटा में इत्ते थरो पढ़ चंती सीआई क्लास रे यार केते मेथड म आपन कहि जी केते मेथड मिनिमम 3-4टा मेथड करि हो मिनिमम आमो स्टूडेंट जदी आपन आपन एटा मिनिमम 3-4टा मेथड करि परिबे बट स्टिल म आपन कहि दउ छी रेशियो मेथड डिस्कस करतवा हैला कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास चेक करिए बहुत मेथड को हाई छी आपन 20% होची स्टूडेंट्स 1/5 हैला 20% होची 1/5 CISI डिफरेंस फॉर 2 इयर्स कथा कहिछ 2 वर्ष कथा कहिछ ताले 5 रो स्क्वायर मानिया प्रिंसिपल 25 ठीक अछि 25 25 रो 20% ठीक अछि 20% माने 1/5 1/5 25 केते 5 नेक्स्ट इयर अगेन 5 तापर एटा होछि 1 ठीक अछि सो डिफरेंस टाइप पार्ट एटा होछि डिफरेंस यार वैल्यू देछि 48
वन पार्ट करेस्पंड टू 48 ना 25 रैल्यू के 25 इंटू 48 ह्विच इज के दिस इज 100/4 कले 1200 ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक अरे 48 × 25 मल्टीप्लाई करा शॉर्टकट कौन 25 से मल्टीप्लाई करा शॉर्टकट कौन 100/4 एटा को आप एमती लिखिपर 48 × 100/4 एटा हो 25 से मल्टीप्लाई करा शॉर्टकट 12 × 100 हो 1200 क्लियर सरला एटा आप चाहिए ये करेंगे है भाया क्लास तो कहिया दरकार नहीं आटलिस्ट ओडिशा तो केबे आपण एमती पाइबेनि से पेड कोन फ्री कोन केबे आपण एमती क्लास पाइबेनि हला आ बाहर भी आई थिंक हिंदी चैनल से भी एही लेवल रो कंटेंट डिस्कशन बहुत रेयर कराउतो हला जो कंटेंट आमे आज पढी चंदी आपण को निजो को फील होतो यदि आपण क्लास देखिले पूरा केत समर क्लास हे छि 2.5 आवर्स कि 3 आवर्स निजे कमेंट रे कहिबे केत्ते इंप्रूवमेंट हे छि केत्ते नुवा जिंस आपण सिखि छै हला यूट्यूब रे एमती क्लास बहुत रेयर आपण को मिलिया हला सो कमेंट कर परिबे एंड इछि यदि फीडबैक अछि आपण फीडबैक लेखि परिबे चाहिले ठीक अच्छे आमर मॉक टेस्ट आम आप्रे आप चाहिए देपर फाइन आपटा डाउनलोड करदे शिवानंद पट्टनायक ना प्ले स्टोर में मिल जाए आपको सब जिन एक्सेस थैंक यू सो मच आज क्लास किसी इम्प्रूवमेंट चाहते आप फीडबैक देपारे आदि भल लगुन ताहले भी कमेंट करूँ चाहिए गाड़ी भी लिखिपर